हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? कैसे हो सारे के सारे चिंगू मिंगूस लल्लू लाल्स? एक बार जल्दी से बताएंगे क्या मेरा ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है यहां पर बच्चों? एक बार जल्दी से बता दो क्या मेरा ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, ओके ओके ओके, ऑल राइट। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो ताकि क्लियर हो जाए हमें कि ऑडियो वीडियो हमारा बिल्कुल क्लियर है, ताकि हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर सके। ओके 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 ओके, चलो यार, चलो 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 फिर, चलो 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 फिर चिंगू मिंगू शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्लास कितनी देर तक चलेगी? अरे शुरू तो होने दो दोस्त। चलो 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 चलो। तो बच्चा पार्टी, आज के लेक्चर में हम पढ़ने चल रहे हैं जूलॉजी का जो पार्ट है आपका, बायोलॉजी में कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर। सर ने आपको एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरुआत करेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट में पार्चुरिशन एंड लैक्टेशन के बारे में बात करने वाले। ठीक है, ऑल राइट देन। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझते हैं कि क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं, कि मतलब ऐसा क्या है भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हमें सीखना है। तो कुछ पुरानी नॉलेज है हमारे पास, और वो पुरानी नॉलेज क्या कहती है? पुरानी नॉलेज ये कहती है कि भैया जो ह्यूमंस है, यानी जो हम है भाई, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विवीपेरस होते हैं। विवीपेरस का मतलब हम अंडे नहीं देते हैं, हम यंग वंस को बर्थ देते हैं। ये है बात। तो देखो जरा ध्यान से, इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विवीपेरस होते हैं, विच मीन्स गिव राइज टू व्हाट? इसको सिंपल कर देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। हम अंडे नहीं देते, हम यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना भाई, भले ही तुमने बचपन में मुर्गा बन के अंडे दिए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बात, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? ओके ओके ओके। अब बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होंगे? और सबसे पहले आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहले आएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कहने का मतलब है स्पर्म्स बनेंगे मेल के अंदर, कहने का मतलब है स्पर्म्स बनेंगे मेल के अंदर एंड ओवम बनेगा इन फीमेल। भैया कहने के मतलब यह है, सिंपल सी बात यह है, अगर गैमेट्स ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो गैमेट्स को बनाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की, तो सबसे पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस, विच मींस जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। किसका? गैमेट्स का फॉर्मेशन। मेल के अंदर बनेगा स्पर्म, फीमेल के अंदर बनेगा ओवम। यहां तक की बात क्लियर है? बोलो जल्दी से बताओ। ठीक है, ये हो गई पहली बात। सेकंड स्टेप क्या है? गैमेटोजेनेसिस के बाद सेकंड स्टेप है बच्चों इनसेमिनेशन। सेकंड स्टेप है इनसेमिनेशन, विच मींस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इंटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब अगर हमें फर्टिलाइजेशन करना है, तो दोनों गैमेट्स को पास लाना पड़ेगा। ओवम मोटाइल होता नहीं, स्पर्म्स होते हैं मोटाइल, तो मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा। और फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा मतलब यह है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना ह्यूमंस में, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ह्यूमंस के अंदर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
यहां पर इनसेमिनेशन हो रहा है। इनसेमिनेशन का मतलब स्पर्म्स को हम फीमेल जेनिटल ट्रैक में ले जा रहे हैं ताकि दोनों गैमेट्स करीब आ सके। ठीक है बात, ठीक है बात। उसके बाद क्या होने वाला है भैया, उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट स्टेप विच इज फर्टिलाइजेशन। भैया मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आ चुका है तो अब दोनों हो जाएंगे फ्यूज, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बच्चों मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है और इसकी वजह से फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, तो यहां से बनेगा जाइगोट। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन, क्या हो रहा है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो रहा है, इसको बोलेंगे जाइगोट, इसको बोलेंगे जाइगोट। बच्चे जेनाइटल ट्रैक का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है, इसको बोल रहे हैं बच्चा हम क्या, जाइगोट। आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लांटेशन। अब इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन में फॉर्मेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है आज के लेक्चर के एंड तक आप सीख जाएंगे। इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इट्स अटैचमेंट टू, एंड इट्स अटैचमेंट टू व्हाट, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। जाइगोट से बन रहा है ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट से बन रहा है ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम से जाकर जुड़ रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम बोलते हैं जेस्टेशन। तो जेस्टेशन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो ह्यूमन के केस में 9 महीने की होती है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगी उसके बाद होगी क्या, डिलीवरी। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, डिलीवरी होगी बच्चों, डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये है पूरा का पूरा, और इसमें एक स्टेप और जोड़ देते हैं विच इज लैक्टेशन। इसको सिंपल भाषा में ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, या सिंपल कर दे इसको मिल्क प्रोडक्शन। जी तो बच्चों ये है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमंस के अंदर, और इन सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को हमें आज के लेक्चर में समझना है, तभी हमारा ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो शुरुआत होगी गैमेटोजेनेसिस से, गैमेट्स बनेंगे, मेल के अंदर बनेगा स्पर्म, फीमेल के अंदर बनेगा ओवम। फिर है बच्चों क्या, इनसेमिनेशन। भाई दोनों गैमेट्स को पास लाएंगे तभी तो फ्यूजन होगा, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा कौन सी प्रोसेस की मदद से, इनसेमिनेशन की मदद से। फिर दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट में, और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम में जाकर अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद होगी बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन, फिर डिलीवरी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, और मिल्क प्रोडक्शन को या ब्रेस्ट फीडिंग को बोलेंगे लैक्टेशन पीरियड। इन सभी को हमें समझना है। यहां तक की कहानी क्लियर है तो बताओ, बोल भाई बोल, यहां तक की बात क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, यहां तक बात क्लियर है बच्चों, बताओ ठीक है यहां तक, बोलो बोलो बोलो, ओके ओके ओके, चलो चलते हैं फिर शुरू करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में, लोअर एब्डोमेन एरिया में। सबसे पहला पॉइंट है बच्चा कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहां होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है पेल्विस रीजन में, जिसको हम लोअर एब्डोमेन एरिया भी बोल सकते हैं। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये चीजें होती है। एक तो होती है बच्चों टेस्टिस,
एक तो होती है बच्चों टेस्टिस, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की अगर बात करूं बच्चों, टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है बच्चों, एक तो ये स्पर्म्स को बनाएगा, गैमेट को बनाएगा, और दूसरा है ये मेन सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। मेन सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा मतलब व्हाट? स्पर्म्स। तो सबसे पहली चीज है, हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि अगर टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है कि एक तो ये गैमेट को बनाएगा स्पर्म्स को, और मेन सेक्स हार्मोन को रिलीज करेगा, जो कि मेन सेक्स हार्मोन स्पर्म्स नहीं होते, मेन सेक्स हार्मोन होगा बच्चों क्या? टेस्टोस्टेरॉन। मेन सेक्स हार्मोन क्या हो जाएगा यहां पर? टेस्टोस्टेरॉन, जिसको बच्चा हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, बात क्या बोल रहे हैं? मेन सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन भी बोल देते, यहां तक की बात हो गई। अब आगे की बात समझो, टेस्टिस के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं अभी भी। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस ओवल होती है शेप में। टेस्टिस बच्चों ओवल होती है शेप में। उसके अलावा हम बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है टेस्टिस की, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। अगर हम बच्चा टेस्टिस की बात करें, ओवल इन शेप है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है, डेंस कवरिंग होती है, कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, यह भी इंपॉर्टेंट है। और हम कहते हैं कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ह्यूमन में जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। ह्यूमन में जो टेस्टिस है दोज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्यों? बिकॉज टेस्टिस ह्यूमन में प्रेजेंट है एक पाउच में, प्रेजेंट इन पाउच, जिसको बच्चा हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो क्या समझा हमने? अगर टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस की जो शेप होती है वो कैसी है बच्चों? ओवल शेप है, 4 to 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर है लेंथ, 2 से 3 सेंटीमीटर है बच्चों क्या? विड्थ। डेंस कवरिंग से टेस्टिस सराउंडेड है। डेंस कवरिंग से क्या है टेस्टिस बच्चों? सराउंडिंग है। टेस्टिस को बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस को हम क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोल रहे हैं, क्योंकि टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर नहीं, टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर होती है। और किसके अंदर प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये किसके लिए जरूरी हो जाएगा बच्चा? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, तो टेस्टिस ओवल इन शेप हो गई, लेंथ हो गई 4 से 5 सेंटीमीटर की, विड्थ हो गई 2 से 3 सेंटीमीटर की, डेंस कवरिंग से कवर्ड है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है मतलब एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस नहीं होती, एब्डोमेन से बाहर होती है। कहां प्रेजेंट होती है? पाउच में, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम की बात करें, स्क्रोटम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। एक डायग्राम भी बच्चा हम बना के यहां पर देख सकते हैं, एक डायग्राम भी हम यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, ये
टेस्ट इसका हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर अपनी क्लैरिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इट विल बी लाइक दिस, ऐसा कर लेते हैं इस डायग्राम को बच्चों, और लास्ट में हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, के बाद को तो हम थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देंगे बच्चों, देखते रहिए और समझते रहना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा टेस्ट का डायग्राम, ये हो गया हमारा किसका डायग्राम, टेस्ट का डायग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, टेस्टिस का डायग्राम, और किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये मान लेते हैं स्क्रोटम, तो ये हो गया बच्चों स्क्रोटम, दिस इज स्क्रोटम। अब उसके बाद अगर हम बात करें टेस्टिस जो होती है वो इंटरनली कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। टेस्टिस बच्चों इंटरनली कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलेंगे, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स बोलते हैं, और इनका बच्चों नंबर हो सकता है 250। तो बात करें टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, पहली चीज तो ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी चीज मैंने बोली टेस्टिस इंटरनली कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं, उन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, उनका नंबर 250 हो सकता है। टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स के अंदर, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स के अंदर होती हैं कुछ ट्यूब्यूल्स, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स के अंदर होती हैं कुछ व्हाट, ट्यूब्यूल्स, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स या हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो है बच्चों ये है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं एक से लेकर तीन तक, एक से लेकर तीन तक। ठीक है, उसके बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, उसके बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, ये बच्चों एक लीड करती हैं रेटे टेस्टिस में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीड करती हैं रेटे टेस्टिस में, जो कि नेटवर्क ऑफ डक्ट होता है, जो कि क्या होता है, डक्ट का नेटवर्क होता है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डक्ट का नेटवर्क, और ये है रेटे टेस्टिस। तो भैया टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल के अंदर है हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक से तीन, और वहां से आगे जुड़ रही है वो रेटे टेस्टिस में, आगे किससे जुड़ रही है, रेटे टेस्टिस में, विच इज नेटवर्क ऑफ डक्ट, विच इज नेटवर्क ऑफ डक्ट, और फर्दर वो लीड कर रहा है, रेटे टेस्टिस फर्दर लीड करता है बच्चों वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया में लीड करता है, और वासा एफरेंशिया टेस्टिस से बाहर निकल जाती है। तो वासा एफरेंशिया वो डक्ट है जो टेस्टिस से बाहर की तरफ लीड करती है, और टेस्टिस से बाहर लीड करती है वो किसमें, एपिडिडाइमिस में, टेस्टिस से बाहर लीड करती है वासा डिफरेंशिया किसमें, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस के बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर है जो स्क्रोटम से बाहर निकला हुआ है दैट इज वेज डिफेंस। तो ये सारे के सारे डक्ट्स है, ये सारे के सारे क्या है बच्चा, डक्ट्स है, फिर से समझ लो।
सबसे पहले टेस्टिस थी, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट थे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स 250 थे, ठीक है सर। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है, ठीक है सर। उसके बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो लीड करती है नेटवर्क ऑफ डक्ट एरिया में, विच इज नोन एज रेटे टेस्टिस, एंड रेटे टेस्टिस फर्दर लीड इनटू वासा एफरेंशिया। रेटे टेस्टिस फर्दर लीड करती है बच्चों वासा एफरेंशिया में, तो वासा एफरेंशिया टेस्टिस से बाहर लीड करती है, और टेस्टिस के बाहर होता है एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस फिर स्क्रोटम से बाहर निकलता है किस फॉर्म में, वेस्ट डिफेंस की फॉर्म में, तो लास्ट है वेस्ट डिफेंस। ये सारी की सारी डक्ट्स, ठीक है। तो अब एक सेकेंड जरा इस डायग्राम को देखिए आप, हमने पढ़ा टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, तो ये रहा स्क्रोटम और ये है टेस्टिस। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर पढ़ाएगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, विच इज नैरी फोर्स, विच इज नेसेसरी फॉर वॉट, स्पर्मेटो जेनेसिस। कैसे हो रहा है आपको यहां पर आइडिया मिल गया है, और उसके बाद देखो, उसके बाद देखो हमने इस चीज को भी यहां पर समझा। क्या चीज को समझा? हमने समझा कि बच्चों टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, और उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लीड करती है रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस लीड करता है वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया लीड करता है एपिडिडाइमिस में, और वो फर्दर लीड करता है वेस्ट डिफेंस में। तो हमने ये डक्ट्स को भी समझा है अभी, ठीक है। बोलिए, बोलो बोलो बोलो, यहां तक बात क्लियर है? बात समझ में आई भाई? क्लियर है बच्चा बाटी यहां तक की बात? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, तो देखो क्या पढ़ा हमने, पढ़ा टेस्टिस इज डिवाइडेड, हमने पढ़ा टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। टेस्टिस बच्चों 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, जिनको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, और हम कह रहे हैं कि इट हैज 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट हैज 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप सुनते हो टेस्टिस वो जगह है जहां पर बच्चों स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन टेस्टिस में एक्चुअल में स्पर्म्स कहां बनते हैं? तो आंसर इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। तो हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास एक तो होती है मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, एक तो हम बोलते हैं कि हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके पास होती है मेल जर्म सेल्स बच्चा, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती है यहां पर सर्टोली सेल्स। तो टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बच्चा एक तो है मेल जर्म सेल्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, और दूसरे को बोल रहे हैं सर्टोली सेल्स। क्या फंक्शन है? इट विल अंडरगो मियोसिस। ये बच्चों मियोसिस में जाएगी, स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस में जाएंगी, टू फॉर्म स्पर्म्स बनेगी। स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस में जाएगी और स्पर्म्स को बनाएगी, और सर्टोली सेल्स क्या करती है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म्स को। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू व्हाट? डेवलपिंग स्पर्म्स। तो ये इसकी कहानी हो गई। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, तो बचवा क्या होगा हमको क्लियर हो जाएगा। देखो यार, ठीक है, ओके चलो करते हैं इसको।
ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की सेल। ठीक है, फिर फर्दर और कुछ सेल्स, कुछ और सेल्स बच्चों। कुछ और सेल्स का कलर, ये ल्यूमन साइड हो गया, ये हो गया ल्यूमन वाला साइड, तो ये हो गया ल्यूमन वाला साइड। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। पहली चीज जो अब हमें समझनी है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चों पहली चीज आपको समझनी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चों ये एरिया, ये एरिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ तो आपको देखने को मिल रही है सर्टोली सेल्स, जो टॉल सेल्स है बच्चों इन्हीं को बोलते हैं हम सर्टोली सेल्स। उसके अलावा हमारी जर्म सेल्स है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। लाइक पता है अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे बाहर की तरफ पेरिफेरी पर होती है स्पर्मेटोगोनिया और ल्यूमन की तरफ सबसे अंदर होती है स्पर्म्स। सबसे बाहर की तरफ कौन है, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, और सबसे अंदर कौन होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो ये हो गए स्पर्म्स, ये हो गए स्पर्मेटिड। एक सेकेंड, एक स्टेज छोड़ दी है मैंने यहां पर बच्चों, एक सेकेंड। ये हो गया स्पर्मेटिड, ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आ जाएगा प्राइमरी, फिर आ जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और सबसे लास्ट में सबसे बाहर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया। तो अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके की सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया जिनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, तो वो बनाएंगे स्पर्म्स को, और दूसरी तरफ है सर्टोली सेल्स जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है टॉल सेल्स जिनको हम बोल रहे हैं सर्टोली सेल्स, और उसके अलावा मेल जर्म सेल्स हैं डिफरेंट स्टेजेस में। नोटिस करने वाला पॉइंट ये है स्पर्मेटोगोनिया बाहर होती है और जैसे जैसे अंदर जाओगे नेक्स्ट स्टेज मिलेगी यानी स्पर्म्स ल्यूमन की तरफ मिलेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे बाहर स्पर्मेटोगोनिया है, उसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर स्पर्मेटिड, और लास्ट में बच्चों सबसे अंदर है स्पर्म्स। उसके अलावा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये इनके बाहर वाले स्पेस को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले स्पेस को बोलते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को आपने सुना होगा बच्चों हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स, जो कि एक्चुअल में हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हॉर्मोन को सिक्रीट करती है। ये है बात, ये है हिसाब किताब। चलो इसको भी लिख लेते हैं। आउटसाइड
सेमिनिफेरस टिब्यूल, आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइज इंटरस्टीशियल स्पेस, आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइज इंटरस्टीशियल स्पेस, जिसमें बच्चों कौन सी सेल्स होंगी, इंटरस्टीशियल सेल्स, जिनको हम बोल रहे हैं लेडिक सेल्स, जिनको हम बोल रहे हैं लेडिक्स सेल्स। और लेडिक सेल्स क्या कर रही हैं, ये सिंथेसाइज कर रही हैं, ये सिंथेसाइज कर रही हैं एंड सिक्रीट कर रही हैं एंड्रोजन्स को, ये सिंथेसाइज और सिक्रीट कर रही हैं एंड्रोजन को, और एंड्रोजन में सबसे ज्यादा सिक्रीट होगा टेस्टोस्टेरोन। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर है इंटरस्टीशियल स्पेस, इंटरस्टीशियल स्पेस में है इंटरस्टीशियल सेल्स, जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, यही टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। उसके अलावा बच्चों यहां पर ब्लड वेसल्स भी हो सकती है, और साथ ही साथ यहां पर होती हैं इम्यूनोलॉजिकली, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, और साथ ही साथ बच्चों यहां पर होती हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब है ये इम्यून सिस्टम की सेल्स है, और इनका फंक्शन है कि हमारी जर्म सेल्स पर, हमारे गैमेट्स पर कोई भी पैथोजन अटैक ना कर पाए, डैमेज ना कर पाए। ठीक है, तो यहां पर चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सर्टोली सेल्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म्स को, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, डेवलपिंग स्पर्म्स को। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बताऊंगा आगे थोड़ी देर बाद। तो ये तो हो गया बच्चों टेस्टिस के बारे में, अब हम पढ़ने चल रहे हैं आगे, हम पढ़ने चल रहे हैं आगे किसके बारे में, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। एक्सेसरी डक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि भैया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, हाँ एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो भैया एक्सेसरी डक्ट्स में बच्चों रेटे टेस्टिस आ जाएगी, उसके अलावा वासा एफरेंशिया आ जाएगी, एपिडिडाइमिस आ जाएगा, और वेस डिफेंस आ जाएगा। तो ये है व्हाट एक्सेसरी डक्ट्स के कंपोनेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स का फंक्शन क्या है बच्चों, इनका फंक्शन होता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। क्या है मतलब, देखिए एक्सेसरी डक्ट्स में आ रहे हैं रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वेस डिफेंस। क्या फंक्शन है डक्ट्स का, भाई डक्ट्स की मदद से स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और डक्ट्स में ही स्पर्म स्टोर हो रहा है, तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स हो जाएगा। फिर क्या है आगे देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लीड्स इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस, थ्रू आगे डक्ट में हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, आगे डक्ट में बच्चों हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो वासा एफरेंशिया में लीड कर रही है, किसकी मदद से, रेटे टेस्टिस की मदद से। देख लेते हैं हम, ये हमने डायग्राम बनाया इस चीज के लिए, भाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये वासा एफरेंशिया है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर वासा एफरेंशिया में पहुंचना है तो उसके लिए रेटे टेस्टिस से गुजरना पड़ेगा। ये हमने बात अभी पढ़ी है और यही मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, दिस ये लीव करेगी टेस्टिस को, लीव्स द टेस्टिस, और लीड करेगी व्हाट, किसमें लीव करेगी, हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमिस में। वासा एफरेंशिया टेस्टिस से बाहर निकल जाता है और लीड करता है किसमें, एपिडिडाइमिस में। अब बच्चों इसके आगे का हमें समझना है कि एपिडिडाइमिस में क्या होगा और आगे क्या होगा, ठीक है, चल रहे हैं हम आगे। ट्यूबुलाई रेक्टाई बच्चों आप मेंशन कर सकते हो, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई, किसी लोगों को अगर ज्यादा ही लग रहा है तो एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
ये है हमारी सेमनीफेरस टिब्यूल, और सेमनीफेरस टिब्यूल और रेटे टेस्टिस के बीच में एक डक्ट होती है जिनको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई या स्ट्रेट टिब्यूल्स। एनसीईआरटी में नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो दोस्त, ठीक है। तो एपिडर्मिस से आगे बढ़ते हैं। एपीडी डाइमिस प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। बच्चों टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। एपीडी डाइमिस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, और कहां प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर सरफेस पे टेस्टिस के। पोस्टीरियर सरफेस पे कैसे पता चलेगा आपको? जरा इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में टेस्टिस दिख रही है आपको, टेस्टिस के बाद जरा एपिडिडाइमिस पे फोकस करो। ये वाला पोर्शन है एपिडिडाइमिस, दिस पोर्शन ये। अब अगर एपिडिडाइमिस को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस में है टेस्टिस के, तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। फंक्शन क्या है बच्चों? यहां पर होता है स्पर्म मैच्योरेशन एंड इंक्रीज इन फर्टिलाइजिंग, इंक्रीज इन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। इंपॉर्टेंट है ये। एपिडिडाइमिस में स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है, और साथ ही साथ स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी वाली जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती है। तो एक तरफ तो स्पर्म का मैच्योरेशन हो रहा है एपिडिडाइमिस में, और दूसरी तरफ इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, राइट। एक तो फंक्शन ये है, उसके अलावा बच्चों ये टेम्पोरेरी स्टोरेज कर सकता है स्पर्म्स का, टेम्पोरेरी स्टोरेज कर सकता है स्पर्म्स का। तो स्पर्म्स टेम्पोरेरीली बच्चों यहां पर स्टोर हो सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि भैया अगर कोई मेल सेक्सुअली एक्साइट हो रहा है, सेक्सुअल अराउजल हो रहा है, सेक्स के लिए बच्चों उसकी अर्ज बढ़ रही है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से यहां पर स्पर्म्स आगे की तरफ जा सकते हैं एपिडिडाइमिस में। एक ये चीज भी होती है। उसके बाद एपिडिडाइमिस स्क्रोटम से बाहर ले जाता है, तो हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस लीड्स टू वैस डिफेंस। एपिडिडाइमिस लीड्स टू वेस्ट डिफेंस। वेस्ट डिफेंस की बात करें, इट असेंड्स टू द एब्डोमेन, इट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एपिडिडाइमिस लीड करता है वेस्ट डिफेंस में। वेस्ट डिफेंस की बात करें तो वेस्ट डिफेंस ऊपर की तरफ जाता है एब्डोमेन में, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता है। कैसे बना रहा है? चलो देखते हैं भाई। अच्छा बेटी देखो यार, ध्यान से देखिए, ध्यान से। रेटे टेस्टिस के बाद वासा फ्रेंचिया टेस्टिस से बाहर निकले, अब स्क्रोटम से बाहर निकल रहे हैं एपिडाइमिस की मदद से। एपिडाइमिस लीड कर रहा है वेस्ट डिफेंस में। वेस्ट डिफेंस बच्चों ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यह है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना रहा है। तो वेल्स डिफेंस एब्डोमेन में ऊपर की तरफ जाती है और लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ये मैं बात बता रहा हूं, ठीक है? बात समझ रहे हैं जी आप? तो ये है बात। आगे की बात को समझते हैं थोड़ा सा, आगे की बात को थोड़ा सा समझते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डक्ट्स या वैस डिफेंस यूनाइट्स विद, वैस डिफेंस यूनाइट्स विद डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। बच्चों वैस डिफेंस जो होता है, वैस डिफेंस जो होता है वो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ जुड़ता है, और भैया दोनों जुड़कर यहां पर बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट को। तो सेमाइनल वेसिकल से डक्ट आती है और वेल्स डिफेंस दोनों मिलकर बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट को। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आधी स्क्रीन क्यों दिखाई दे रही है, आधी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या तुम्हें, ऐसा कुछ है क्या, बताओ बच्चों मेरे को एक बारी। आइए सोना तो नहीं चाहिए था। उसके आगे क्या है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, उसके अलावा, उसके अलावा, नो नो नो, वेरी गुड, और यूरेथ्रा लीड्स टू आउटसाइड, यूरेथ्रा लीड्स टू आउटसाइड थ्रू ओपनिंग यूरेथ्रल मीटस, जिसको बच्चा मेल में बोलते हैं यूरोजेनाइटल अपर्चर, यूरो जेनाइटल अपर्चर। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं विद डायग्राम। बच्चों मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है कि यहां पर देखिए क्या हो रहा है। डायग्राम, दूसरे डायग्राम को ले लेते हैं। देखो इस डायग्राम को देखो ध्यान से, यह है वेस डिफेंस, यह है सेमाइनल वेसिकल। तो यह वेस डिफेंस है, यह वाला पोर्शन, यह सेमाइनल वेसिकल है, दोनों जुड़ रहे हैं और मिलकर बना रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो जब वेस डिफेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता है, वेस डिफेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर बच्चों लूप करता है, तो वो जुड़ता है सेमाइनल वेसिकल के साथ और उसके साथ क्या कर रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट को बना रहा है। एक तो पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि अब इसके बाद क्या, वेल्स डिफेंस के बाद सर यूरेथ्रा है, तो बच्चों हम बोल रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा शुरू हो रहा है और बाहर लीड कर रहा है एक ओपनिंग पर, बाहर लीड कर रहा है एक ओपनिंग पर जिसको बच्चों बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, बाहर लीड कर रहा है एक ओपनिंग पर जिसको बोल रहे हैं यूरेथ्रल मीटस। अब मेल के अंदर, अब मेल के अंदर स्पर्म्स का और यूरिन का कॉमन पाथवे है, मेल में स्पर्म्स का और यूरिन का कॉमन पाथवे है यूरेथ्रा, तो इसको मेल में यूरिनोजेनाइटल अपर्चर या फिर यूरोजेनाइटल अपर्चर भी बोलते हैं। यह है भैया बात, तो ये है पूरे डक सिस्टम वाला हिसाब किताब। बताओ यार एक बारी, यहां तक क्लियर है कि नहीं, बोल भाई बोल, बोलो बच्चा बाटी, बोलो बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं एक बारी बताओ मेरे को। क्लियर, वेरी गुड। चलो भाई अब देखो, टेस्टिस पढ़ लिया, एक्सेसरी डक्ट्स को पढ़ लिया, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ग्लैंड्स को। और ये है वो एनसीईआरटी का डायग्राम जो मैंने अभी बनाकर आपको दिखाया था। इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ जिनको स्पर्म्स बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स एंड सर्टोली सेल्स जो मैंने आप अभी आपको बना के दिखाया था। इसका कई बार एग्जाम में आता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाओ, तो ये बनाना बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप क्या डायग्राम बना सकते हो। यू कैन मेक दिस डायग्राम, यू विल गेट फुल मार्क्स दिस, ठीक है। चलो भाई चलो बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें बच्चों, इसमें आता है पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें बच्चों, इसमें आता है पेनिस, पहली चीज तो ये है। अब बात करें पेनिस की, तो पेनिस इज व्हाट, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑर्गन, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑर्गन। और अगर हम बात करें इसके अंदर होता है बच्चों, इट हैज इरेक्टाइल टिश्यू, पेनिस की बात करें, पेनिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑर्गन है और पेनिस के पास होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू।
जब एक मेल सेक्सुअली स्टिमुलेट होता है, सेक्सुअल अराउजल होता है या उसको सेक्स करने की अर्ज होगी, तब क्या होगा? तब यहां पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा पेनिस के अंदर और उससे होगा इरेक्शन। तो इरेक्टाइल टिश्यू होने की वजह से पेनिस का क्या होता है, इरेक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो बेसिकली इरेक्टाइल टिश्यू में क्या होती है, ब्लड साइनेसेस होती है। इरेक्टाइल टिश्यू में बच्चों ब्लड साइनेसेस होती है, और ब्लड साइनेसेस में जब ब्लड भरेगा तो क्या होगा, इरेक्शन होगा पेनिस में। ये है इरेक्शन होगा पेनिस में, ये है। तो पेनिस की बात करें, पेनिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जिन जो बेसिकली क्या है, ब्लड साइनेसेस। अगर एक मेल सेक्सुअली स्टिमुलेट होगा उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, कहां पर, ब्लड साइनेसेस में, इरेक्टाइल टिश्यू में, और इरेक्शन होगा। एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, इसको बोलते हैं बच्चों फोर स्किन या फिर प्रिप्यूज। पेनिस का जो एंड होता है वो एनलार्ज होता है, पेनिस का जो एंड होता है वो एनलार्ज होता है, उसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। पेनिस का जो एंड होता है बच्चों वो एनलार्ज एंड होता है, उसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, और उस पे एक कवरिंग होती है स्किन की, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रिप्यूज। ये देखिए जरा, पेनिस का जो एनलार्ज एंड है, पेनिस का जो एनलार्ज एंड है बच्चों, इसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, और इस पे एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात, ओके जी। तो ये हो गई मेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड की। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आ रहा है सेमाइनल वेसिकल। एक्सेसरी ग्लैंड की बात करूं इसमें सबसे पहला आ रहा है बच्चों सेमाइनल वेसिकल। पेयर्ड ग्लैंड होती है, कॉन्वोल्यूटेड ग्लैंड है, सिक्रीट्स फ्रक्टोज जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को, प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म्स। उसके अलावा क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्टिमुलेट क्लॉटिंग ऑफ सीमन आफ्टर इजैकुलेशन। देखो यार क्या है, समझते हैं बच्चों, देखो तो हम यहां पर ये कह रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल आ रही है जो कि पेयर्ड ग्लैंड है, कॉन्वोल्यूटेड होती है मतलब कॉइल्ड होती है थोड़ी सी, फ्रक्टोज को सिक्रेट करती है, फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन भी होता है। क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करता है कि जब मेल के पेनिस से इजैकुलेशन होता है सीमन का, उसको क्लॉट कर देता है। क्लॉट करने से क्या फायदा है, क्लॉट करने से फायदा ये होता है ताकि वो वेजाइना में स्टिक कर जाए, बाहर लीक आउट ना हो, क्योंकि अगर वेजाइना से आगे नहीं जाएगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल, दिखा देता हूं मैं आपको, जरा देखो, जरा यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे सेमाइनल वेसिकल को, इट इज कॉइल्ड इस तरीके से, कॉइल्ड ग्लैंड है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, दो हैं, एक और एक दो सेमाइनल वेसिकल। एक चीज और यहां पर जरूरी है, एक चीज बच्चों यहां पर और जरूरी है समझनी आपको, कि इसका जो सिक्रीशन है सेमाइनल वेसिकल का वो 60% सिक्रीशन होता है, पहली चीज। दूसरा जो है इसका सिक्रीशन एल्कलाइन होता है,
दूसरा जो पॉइंट है इसका सिक्रीशन एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन सिक्रीशन क्यों? क्योंकि बच्चों एसिडिक पीएच में स्पर्म्स इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या समझ रहे हैं हम? बात करें सेमाइनल वेसिकल 60% सिक्रीशन करती है सीमन में, पहली चीज। और एल्कलाइन सिक्रीशन है। एल्कलाइन सिक्रीशन का मतलब क्या है कि भाई एल्कलाइन रिलीज हो रहा है। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि स्पर्म्स एसिडिक पीएच में इनएक्टिव हो जाएंगे। स्पर्म्स एसिडिक पीएच में क्या हो जाएंगे बच्चों? इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये हो गई बात। उसके बाद बात करते हैं दूसरी ग्लैंड की, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों सिंगल होती है, याद रखना। सीमन एल्कलाइन होता है क्योंकि अगर सीमन एल्कलाइन नहीं हुआ स्पर्म्स एसिडिक पीएच में इनएक्टिव हो जाते हैं। और आपको अगर याद हो आपका जो यूरिन है वो एसिडिक होता है और वेजाइना की पीएच भी एसिडिक होती है, तो एल्कलाइन बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें बच्चों सिंगल होती है, सिक्रीट्स सिट्रिक एसिड, प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म्स, कैल्शियम आयन, प्रोफाइब्रिनोलाइजिन, ब्रेक्स क्लॉटिंग। अब अगर इसकी बात कर लूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन एसिडिक होता है, इसका सिक्रीशन एसिडिक है लेकिन, और इसका सिक्रीशन मान लीजिए बच्चों आप 25% की करो, इसका सिक्रीशन कितना? 25% के करीब। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है, 25% सिक्रीशन करती है सीमन में, एसिडिक सिक्रीशन कर रही है। क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड है और सिट्रिक एसिड क्रैब साइकिल की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को। यहां पर कैल्शियम आयन भी है, कैल्शियम आयन क्या करवाएगा? स्पर्म की मोटिलिटी को सही करवाएगा। और लास्ट में है प्रोफाइब्रिनोलाइजिन, नॉट लाइसिस। प्रोफाइब्रिनोलाइजिन क्या करेगा बच्चों? प्रोफाइब्रिनोलाइजिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग बोल रहा हूं, यहां पर क्लॉटिंग को तोड़ देगा। क्यों क्लॉटिंग को तोड़ देगा भाई? क्लॉटिंग प्रोटीन ने सीमन को क्लॉट करवाया था वजाइना में ताकि वो स्टिक कर जाए, लेकिन अगर काफी समय तक क्लॉटिंग रहेंगी तो स्पर्म्स उसी में फंस कर रह जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो एक टाइम के बाद क्लॉटिंग तोड़नी पड़ती है। तो क्लॉटिंग तोड़ने के बाद क्या होगा? स्पर्म स्विम करते हुए यूट्रस से जाने की कोशिश करेंगे, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये है आपकी कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपकी कौन सी ग्लैंड बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद एक और होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें, ये भी पेयर्ड होती है बच्चों, ये सिक्रीट करती हैं विस्कस म्यूकस को। ये सिक्रीट करती हैं विस्कस म्यूकस को, जो कि क्या करेगा? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कोइटस। तो इसके अलावा तीसरी ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, पेयर्ड होती हैं, विस्कस म्यूकस को सिक्रीट करेंगी, और विस्कस म्यूकस क्या करेगा? लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करेगा बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कोइटस के दौरान। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ग्लैंड है वो फ्रक्टोज को, कैल्शियम को और कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज आपने देख लिया, कैल्शियम आपने देख लिया। अच्छा, इसकी बात करें, इसका भी सिक्रीशन एल्कलाइन होता है। इसका भी सिक्रीशन कैसा होगा? एल्कलाइन। सीमन के बारे में आगे बात करेंगे। तो फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम्स होने चाहिए, राइट? तो यह है बात। यह था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारी चीजें हमने पढ़ ली, आपको मैंने पढ़ा दी यहां पर, आप देख सकते हैं। टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, डक्ट्स के बारे में, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। चल रहे हैं हम बच्चों आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बच्चों, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये भी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन का मतलब वही है लोअर एब्डोमेन एरिया में। और इसमें बच्चों ओवरीज आती हैं, ओविडक्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना आते हैं जो कि डक्स हो जाएंगे, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आती है। बट यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखो ओवरीज आ रही हैं, उसके अलावा डक्ट में ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना आ रहे हैं, ये तो ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी ठीक है, लेकिन मेमरी ग्लैंड्स का लोग सोचते नहीं है, बट ये भी इंटीग्रेटेड है। तो देखो क्या लाइन लिखी गई है, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मेमरी ग्लैंड्स पेयर में होती हैं, वो इंटीग्रेटेड होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, तभी ओव्यूलेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, बर्थ के दौरान, चाइल्ड केयर के दौरान उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। शुरुआत करते हैं ओवरी से, शुरुआत करते हैं ओवरी से, तो ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, पहली चीज, प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। तो बच्चों ओवरी की बात करें 2 से 4 सेंटीमीटर होंगी लेंथ में और एब्डोमेन के ईदर साइड पर प्रेजेंट है। उसके बाद ये बात बोली जाती है कि ओवरी को सपोर्ट मिलता है यूट्रस से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स की मदद से। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, कहते हैं कि ओवरी को सपोर्ट मिल रहा है, किससे सपोर्ट मिल रहा है, यूटरस से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स की मदद से। तो मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है सर, मान गए बात। अच्छा यो ओवरी मान लिया तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया यार, ये है यूटरस। तो यूटरस और ओवरी आपस में जुड़े होते हैं, यूटरस और ओवरी आपस में जुड़े हुए होते हैं ओवेरियन लिगामेंट की मदद से, यूटरस और ओवरी आपस में जुड़े होते हैं ओवेरियन लिगामेंट की मदद से, और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ है बच्चों पेल्विक वॉल, पीछे की तरफ है बच्चों पेल्विक वॉल। तो ये बोलते हैं कि ओवरी और पेल्विक वॉल पीछे की तरफ आपस में जुड़े हुए होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट से, सस्पेंसरी लिगामेंट से। तो क्या बताया मैंने कि ओवरी की बात करें, ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, एब्डोमेन के ईदर साइड पर प्रेजेंट है लोअर। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि ओवरी को सपोर्ट मिला है यूट्रस से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट की मदद से। तो यूट्रस और ओवरी ओवेरियन लिगामेंट की मदद से जुड़े होते हैं बच्चों, और ओवरी पीछे की तरफ, मतलब अगर ये देखो ये ओवरी है, दिस इज दी ओवरी, पीछे की तरफ मान लो ये पेल्विक वॉल है, दिस इज पेल्विक वॉल, दिस इज ओवरी। तो ये देखिए ये किससे, सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ी हुई है, सपोर्टेड है। ये हो गई बात, बताओ यहां तक बात क्लियर है, एक बार जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक बात क्लियर है बच्चों, एक बार बताओ जल्दी से मुझे। ओके ओके, उसके बाद बात करते हैं फर्दर। ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, बच्चों ओवरी थिन एपिथेलियम से कवर्ड होता है, और ये थिन एपिथेलियम सराउंड्स करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को। अगर बच्चा हम ओवरी की बात करें, अगर बच्चा हम ओवरी की बात करें तो ओवरी को थिन एपिथेलियम कवर करता है और उसके अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा की बात करें तो ओवेरियन स्ट्रोमा में आउटर होता है कॉर्टेक्स, आउटर होता है बच्चों कॉर्टेक्स, जहां पर फॉलिकल्स होते हैं, और इनर होता है मेड्यूला,
इनर होता है मेड्यूला, जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती है और फॉलिकल्स को यहां पर सराउंड भी करती हैं स्ट्रोमल सेल्स। मैं आपको सारे फॉलिकल्स के डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो ओवरी को थिन एपिथेलियम सराउंड करता है, ओवरी को थिन एपिथेलियम सराउंड करता है, ठीक है। और थिन एपिथेलियम के अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसमें बाहर की तरफ कॉर्टेक्स एरिया है जहां पर फॉलिकल्स हैं, जिसको स्ट्रोमल सेल्स ने सराउंड कर रखा है, और अंदर की तरफ मेड्यूला है जहां पर ब्लड वेसल्स और क्या आ जाएंगे, नर्व्स आ जाएंगे। कैसे, देख लीजिए, अरे हमरी मत मानिए भैया, देख लीजिए, मान लीजिए, देखो। अब बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये ओवरी, ओवरी में बाहर का एरिया देखो तो प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल्स है, और अंदर वाली साइड पर ब्लड वेसल्स है। तो बाहर वाला सबसे पहले तो बाहर हो गया थिन एपिथेलियम, फिर यहां पर फॉलिकल्स है कॉर्टेक्स एरिया में, और मेडुला में है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, ओके। अब इसके बाद डक्ट्स की बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं बच्चों एक्सेसरी डक्ट्स की। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो एक्सेसरी डक्ट्स में कौन आता दिख रहा है, ओविडक्ट, ओविडक्ट के अलावा यूट्रस, वजाइना, ये सब, और यूट्रस का एक पार्ट होता है सर्विक्स, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ओविडक्ट। ओविडक्ट की बात करें 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओविडक्ट की बात करें बच्चों 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट कनेक्ट्स ओवरी टू यूटरस। ओवरी की अगर हम बात करें तो, सॉरी ओवरी कह रहा हूं, ओविडक्ट की अगर हम बात करें तो ओविडक्ट 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये ओवरी को बच्चा यूटरस से ज्वाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। तो ये है ओवरी, अब ओवरी से ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब इसको ज्वाइन कर रहा है यूट्रस से। दिस इज ओवरी, दिस इज यूट्रस, बीच में ज्वाइन करने के लिए फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट है। तो ओविडक्ट, अनदर नेम फेलोपियन ट्यूब, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि ओवरी को यूट्रस से जोड़ रहा है। तीन पार्ट होते हैं इसके, एक तो है इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम की बात करें, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर, और बच्चों क्लोज टू ओवरी, ओवरी के सबसे पास ही होता है। बात करें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसके पास होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम बोलते हैं क्या, फिम्बरी, और फिम्बरी ओवम के कलेक्शन में मदद करती है, ओवम के कलेक्शन में मदद करती है। देखो फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट का पोर्शन, सबसे पहला इनफंडिब्यूलम, इसको बोलते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर, और इस फनल शेप स्ट्रक्चर के पास है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्बरी, जिसकी मदद से ये ओवरी से ओवम को कलेक्ट करेगा। ये है पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन की बच्चों अगर हम बात करें, कौन से पोर्शन की, दूसरे पोर्शन की, तो दूसरा पोर्शन है एम्प्यूला। ब्रॉडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एम्प्यूला, ब्रॉड भी होता है, सबसे लंबा होता है, और यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। बच्चों इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन साइट। एम्प्यूला की बात करें, एम्प्यूला इज द ब्रॉडेस्ट ऑर्गन ऑफ ओविडक्ट एंड लॉन्गेस्ट, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज द फर्टिलाइजेशन साइट। और तीसरा है इस्थमस। इट हैज नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंस विद यूट्रस। तीसरा पोर्शन है ओविडक्ट का नैरो पोर्शन, जिसको बोलते हैं इस्थमस, और ये क्या करता है बच्चों, ये ओविडक्ट को जोड़ रहा है यूट्रस से। ये ओविडक्ट को किससे जोड़ रहा है, यूट्रस। देखो
देख लीजिए, एम्प्यूला ब्रॉडेस्ट पोर्शन आ गया, उसके बाद स्टमक सबसे नैरो पोर्शन है, और ये किससे जोड़ रहा है, यूट्रस से जोड़ रहा है। तो ये हो गई हमारी ओविडक्ट, दिस इज अवर ओविडक्ट। बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट इज यूट्रस। सिंगल होता है बच्चों यूट्रस, इसको वूम भी बोलते हैं। यूट्रस की बात करें, सिंगल होता है, इसको वूम भी बोलते हैं। उसके अलावा इन्वर्टेड पियर शेप है, इन्वर्टेड पियर शेप है बच्चों। बात करें यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है और यहीं पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होती है, यहीं पर इम्प्लांटेशन और यहीं पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होगी। यूट्रस के तीन हिस्से होते हैं, यूट्रस की लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यूट्रस के तीन हिस्से होते हैं। यूट्रस के तीन हिस्सों में एक होता है यूटेराइन फंडस, एक होता है सर्विक्स, और मिडल वाला होता है बच्चों यूटेराइन बॉडी। यूट्रस के तीन हिस्से होते हैं, एक होता है यूटेराइन फंडस, एक होता है यूटेराइन बॉडी, तीसरा होता है सर्विक्स। और मोस्टली जो इम्प्लांटेशन होता है वो फंडस में होगा या यूटेराइन बॉडी में होगा। तो यूटेराइन फंडस एंड यूटेराइन बॉडी आर दोस पोर्शन जहां पर इम्प्लांटेशन होता है नॉर्मल कंडीशंस, सर्विक्स में नहीं होता। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तीन लेयर से बना हुआ ये, मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, एक है पेरिमेट्रियम, आउटर थिन मेम्ब्रेन, एक है बच्चों मायोमेट्रियम, मायो मतलब होता है मसल, थिक मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, थिक मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, और इनर मोस्ट लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर लेयर है, इट इज ग्लैंडुलर एंड वेस्क्यूलर, ग्लैंडुलर होती है, वेस्क्यूलर होती है। बच्चों अगर हम बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस तीन लेयर से बना हुआ है, आउटर लेयर होती है पेरिमेट्रियम। यूट्रस की बात करें, यूट्रस तीन लेयर से बना हुआ है, आउटर लेयर होती है थिन मेम्ब्रेनस पेरिमेट्रियम, मिडल लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। मायो क्यों? क्योंकि यहां पर स्मूथ मसल की होती है लेयर, और थिक लेयर होती है। सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंड एंडोमेट्रियम की बात करें ये बहुत ही ज्यादा वेस्क्यूलर, ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होती है, एंड इट इज ग्लैंडुलर, सिक्रीशंस भी काफी करती है। ठीक है, तो इसी के अंदर स्ट्रॉन्ग विगरस इन दिस helps in delivery of baby। बच्चों मायोमेट्रियम के अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उस विगरस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिलीवरी हो पाती है बच्चे की। तो एक पॉइंट तो यह है, दूसरा हम ये बोलते हैं साइक्लिकल चेंजेस occurs in this, cyclical changes occurs in this during menstruation। menstruation के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, वो एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस आने की वजह से होती है। मतलब ये बोला जाता है जब मेंस्ट्रुएशन आते हैं तो एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल टूटती है जो कि ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर रिलीज होती है। ये है एंडोमेट्रियम, यूट्रस की इनर लेयर। ठीक है, ओके,
उसके साथ साथ ही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैं इसी में बता देता हूँ फिर से। हमने पढ़ा था यूट्रस के तीन हिस्से होते हैं, यूट्राइन फंडस, यूट्राइन बॉडी, सर्विक्स। तो यूट्राइन फंडस एंड यूट्राइन बॉडी में इम्प्लांटेशन होता है। थोड़ी सी सर्विक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इट हैज नैरो पार्ट सर्विक्स। बच्चों सर्विक्स के पास कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विक्स के पास एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल को अगर आप वेजाइना के साथ मिला दो, तो बच्चों दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल को, तो मतलब सर्विक्स के बाद नेक्स्ट कौन है? वेजाइना है। और वेजाइना लीड करती है बाहर एक ओपनिंग पे जिसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटीरियर ओपनिंग है वो है वेजाइनल ओरिफाइस और वो लीड करती है वेजाइना में। तो मैंने बताया कि यूट्रस का नैरो पार्ट होता है सर्विक्स, उसमें कैविटी होती है बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, उसको मिला दो वेजाइना के साथ मिल जाएगी बर्थ कैनाल। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से बच्चा बाहर आता है। भाई यूट्रस में है बच्चा, तो यूट्रस का नीचे का हिस्सा सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे वेजाइना, तो इसी रास्ते से तो बाहर आएगा भैया, समझ रहे हो? तो इसीलिए सबसे लास्ट पोर्शन है वेजाइना, और वेजाइना लीड करेगी बाहर एक ओपनिंग पर जिसको बोलेंगे वेजाइनल ओरिफाइस। और वेजाइना यहां पर लीड करेगी बाहर एक ओपनिंग पर जिसको बोलेंगे हम वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है? ओके। अब हम आ चुके हैं इसके बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। क्योंकि देखो हमने पढ़ लिया है डक्स को, हमने पढ़ लिया है ओवरी को, अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर आ गए हैं, तो यहां पर बात कर लेते हैं जल्दी से उसके बारे में। ये डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, समझते हैं बच्चों इसको। दिस एरिया इज मॉन्स प्यूबिस, ये एरिया है मॉन्स प्यूबिस। ये एरिया हो गया मॉन्स प्यूबिस, दिस इज प्यूबिक हेयर्स। ये हो जाएगा क्लाइटोरिस, ये है बच्चों यूरेथ्रल ओरिफाइस, ये है वेजाइनल ओरिफाइस। तो यस आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, फीमेल में यूरेथ्रा की और वेजाइना की ओपनिंग सेपरेट होती है, एक नहीं होती, ठीक है। दिस इज लेबिया मेजोरा, तो ये अंदर वाला हो जाएगा लेबिया माइनोरा। दिस इज एनस, और इसी जगह पर दोनों तरफ एक ग्लैंड होती है, इसको बोलेंगे हम बार्थोलिन्स ग्लैंड। देखो समझते हैं बच्चों, देखो हम बात कर रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो मतलब वेजाइना से बाहर की तरफ हम देख रहे हैं,
तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बच्चों कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस है, कुशन है फैटी टिश्यू का, फैटी टिश्यू का कुशन है जिसमें स्किन है और प्यूबिक हेयर है। उसके बाद नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो बाहर की तरफ से आप ब्लू वाला देख रहे हो, ये बाहर वाला ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू का, टिश्यू का फ्लैशी फोल्ड है जो कि मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ आ रहा है, टिश्यू का फ्लैशी फोल्ड है जो कि मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ आ रहा है और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रहा है। बच्चों लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ होता है लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ होता है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू जिसको हम बोलते हैं व्हाट, लेबिया माइनोरा। वहीं अगर आप ध्यान से देखें एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये कह रहा है कि लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ फ्यूज हो रही है, लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ फ्यूज हो रही है और फ्यूज होकर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर है। बिल्कुल है, पता है क्लाइटोरिस में होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, जैसे मेल पेनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, क्लाइटोरिस में भी बच्चा इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, क्लाइटोरिस में भी क्या होते हैं बच्चा इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, और ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है इसमें क्या होता है सेक्सुअल एक्साइटेशन के दौरान फीमेल में इरेक्शन होते हैं, स्टिमुलेट करता है फीमेल को सेक्स के लिए, ठीक है ये बात ओके जी। उसके अलावा बच्चों वेजाइना के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी हो सकती है, पार्शियल मेम्ब्रेन, वेजाइना के ऊपर ये जो वेजाइनल ओरिफाइस है, वेजाइनल ओरिफाइस के ऊपर क्या हो सकती है एक पार्शियल मेम्ब्रेन हो सकती है हाइमन की फॉर्म, वेजाइना के ऊपर एक पार्शियल मेम्ब्रेन हो सकती है हाइमन की फॉर्म में। नॉर्मली कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाइमन ब्रेक होता है, बट हाइमन वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता। अगर एक फीमेल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है काफी ज्यादा, लाइक वो हॉर्स राइडिंग करती है या फिर गेम्स खेलती है स्पोर्ट्स के, तो उसके दौरान भी हाइमन ब्रेक हो सकता है, तो हाइमन वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता, ये पॉइंट भी जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहां पर एक ग्लैंड भी देख रहे हो बच्चों, विच इज बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या करती है, विस्कस म्यूकस सिक्रीट करती है। बार्थोलिन्स ग्लैंड बच्चों विस्कस म्यूकस को सिक्रीट करती है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। तो ये हो गई फीमेल की एक्सेसरी ग्लैंड, समझे भाई। तो ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको कलेक्टिवली वल्वा बोल रहे हैं, और यहां पर हमने फीमेल व्हाट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। चलिए एक बारी जल्दी से बता दो, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने चल रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स को। नेक्स्ट बच्चा पार्टी अब हम पढ़ने चल रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स को, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ने चल रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स को। डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक तो बना लेते हैं हम, ठीक है। ओके ओके ओके
देखिए बच्चों ध्यान से, ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा इधर भी दिखा देते हैं। और इसी तरीके से थोड़ा सा इस साइड भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हम बात करने चल रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स की, जिनको सिंपल भाषा में ब्रेस्ट भी बोला जाता है। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। तो बच्चों मैमल्स में जो नाम पड़ा है मैमल्स, वो क्यों पड़ा है? क्योंकि फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी मदद से वो यंग वंस को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मेमोरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है ग्लैंडुलर टिश्यू और एक है फैट। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से। बच्चों दिस इज इंटरकोस्टल मसल्स, ये है कट एंड ऑफ रिब्स, ये है कट एंड ऑफ रिब्स, और ये हमारी चेस्ट पर एक मसल होती है जिसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। ठीक है, ये जो है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिपोस टिश्यू को, ये जो है बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है एडिपोस टिश्यू को। ये जो है ये है मेमोरी लोब्स, ये है बच्चों मेमोरी लोब्स, और मेमोरी लोब्स के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं व्हाट, मेमोरी एल्वियोलाई। ठीक है, और मेमोरी लोब्स की बात करें, ईच ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स हो सकते हैं। ईच ब्रेस्ट के अंदर क्या हो सकते हैं बच्चों, 15 से 20 मेमोरी लोब्स हो सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें, इनको मान लीजिए मेमोरी टिब्यूल्स, ठीक है, इसको मान लो मेमोरी डक्ट्स, इसको मान लो मेमोरी एम्प्यूला, इसको बच्चों हम लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। लास्ट में ये जो डक्ट है इसका नाम हो जाएगा लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट। सामने वाला पोर्शन जो है दिस इज निप्पल, और इसके बगल में जो एरिया होगा ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों एरियोला। तो देखिए ध्यान से समझते हैं बच्चों इसको। मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो हमने पढ़ा कि जितनी भी फीमेल मैमल्स होती हैं उनके पास करेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेमोरी ग्लैंड्स का। मेमोरी ग्लैंड्स पेयर स्ट्रक्चर होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है बच्चों, मेमोरी ग्लैंड्स है पेयर स्ट्रक्चर्स, जिनको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, और इसके अंदर दो तरीके का टिश्यू, एक है ग्लैंडुलर टिश्यू और एक है व्हाट, फैटी टिश्यू। तो यहां पर जो एडिपोस टिश्यू होता है वो डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द ब्रेस्ट, यहां पर जो फैट टिश्यू है ये डिटरमाइन करता है साइज ऑफ ब्रेस्ट, मतलब जितना ज्यादा एडिपोस टिश्यू होगा उतना ज्यादा ब्रेस्ट का साइज होगा, मेमोरी ग्लैंड्स का साइज होगा। फोकस करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू पे, फोकस करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू पे। ग्लैंडुलर टिश्यू के नाम से भी चल रहा है, सिक्रीशंस करवाएगा। सिक्रीशंस क्या है, मिल्की फॉर्म में। तो ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें, ग्लैंडुलर टिश्यू है मेमोरी लोब्स की फॉर्म, और मैंने आपको बताया एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स हो सकते हैं। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 क्या हो सकते हैं बच्चों, मेमोरी लोब्स हो सकते हैं।
ठीक है बात। और मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है भैया? मेमोरी लोब्स के अंदर है मेमोरी एल्वियोलाई। मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है बच्चों? मेमोरी लोब्स के अंदर है मेमोरी एल्वियोलाई, जो कि सिक्रीट करती हैं मिल्क, जो कि सिक्रीट करती हैं मिल्क। इनसे जाएगा आगे मिल्क मेमोरी टिब्यूल में, इनसे आगे जाएगा मिल्क मेमोरी टिब्यूल में, मेमोरी टिब्यूल से आगे मिल्क जाएगा मेमोरी डक्ट में। मतलब मेमोरी टिब्यूल यूनाइट होकर रिलीज करती हैं किसमें? मेमोरी डक्ट में मिल्क को। यहां से जाएगा मेमोरी एम्प्यूला में, यहां से जाएगा मेमोरी एम्प्यूला में बच्चों, जिसको हम लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। मेमोरी एम्प्यूला को क्या बोल रहे हैं? लैक्टिफेरस साइनस। और यहां पर टेम्पोररी मिल्क स्टोर हो सकता है, यहां पर मिल्क टेम्पोररी स्टोर हो सकता है। मेमोरी एम्प्यूला या लैक्टिफेरस साइनस से आगे जाएगा मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट में, यहां से आगे जाएगा मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट में और निप्पल के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये है पूरा फ्लो किसका? मिल्क का पाथवे हो गया ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो मेमोरी लोब्स ग्लैंडुलर टिश्यू है, 15 से 20 होते हैं ईच ब्रेस्ट के अंदर। मेमोरी एल्वियोलाई मिल्क को सिक्रेट करेंगी, वहां से जाएगा मेमोरी टिब्यूल में, वहां से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्प्यूला में, जहां पर टेम्पोररी मिल्क स्टोर हो सकता है। यहां पर टेम्पोररी मिल्क क्या हो सकता है बच्चा? स्टोर हो सकता है। और आगे जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, जहां पर निप्पल के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई, वहां से मेमोरी डक्ट, डक्ट से व्हाट, डक्ट से कहां, सॉरी रुक जाओ, छूट गया, कहां फिर से मेमोरी लोब्स से, मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई से मेमोरी टिब्यूल, टिब्यूल से मेमोरी डक्ट, डक्ट से मेमोरी एम्प्यूला या लैक्टिफेरस साइनस, वहां पर लैक्टिफेरस डक्ट से लिम्पल के थ्रू बाहर, ये है पूरा का पूरा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों गैमेटोजेनेसिस को यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है? टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को स्पर्मेटोजेनेसिस की मदद से। यस देखिए क्या पढ़ा है हमने बच्चों, हमने पढ़ा है कि अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो टेस्टिस के अंदर इमेच्योर जर्म सेल्स, टेस्टिस के अंदर इमेच्योर जर्म सेल्स मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया किसको प्रोड्यूस करेंगे? स्पर्म्स को स्पर्मेटोजेनेसिस की मदद से। और ये शुरू होता है प्यूबर्टी पे, ये शुरू होता है कब से? प्यूबर्टी पे। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये देखो जरा हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है जो कि डिप्लॉयड है, हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है जो कि डिप्लॉयड है, हमारे पास बच्चों स्पर्मेटोगोनिया है जो कि है डिप्लॉयड। पहले तो माइटोसिस करके ही अपने नंबर को बढ़ाएगी। हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर स्पर्मेटोगोनिया यानी इमेच्योर मेल जर्म सेल से हम स्पर्म्स को बना रहे हैं, ठीक है बात। हम क्या बोल रहे हैं देखिए, सुनिए ध्यान से समझिए। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा है कि वो माइटोसिस के थ्रू अपने नंबर को बढ़ा रहा है, और यह है डिप्लॉयड। माइटोसिस के थ्रू अपने नंबर को बढ़ा रहा है बच्चों, यह है डिप्लॉयड। और उसके बाद माइटोसिस से अपने नंबर को बढ़ाने के बाद फाइनली ये डिफरेंशिएट करेगा। देखो माइटोसिस से नंबर को बढ़ा रहा है और फाइनली ये डिफरेंशिएट कर रहा है। डिफरेंशिएट करने का मतलब अब ये मियोसिस के लिए आगे बढ़ेगा और बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या सीखा आपने? स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस के थ्रू अपने नंबर को बढ़ाया और नंबर को बढ़ाने के बाद वो डिफरेंशिएट कर गया एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि डिप्लॉयड है। नाउ स्पर्मेटोगोनिया ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर करता है मियोसिस में, तो मियोसिस वन में एंटर करेगा, मियोसिस वन में एंटर करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कितने? लेकिन दो। देखिए यहां पर यह है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बच्चों सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर करेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर करेंगे और बनेंगे स्पर्मेटिड। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो उससे बनेंगे चार स्पर्मेटिड, ठीक है बात। अब देखिए स्पर्मेटिड होता है नॉन मोटाइल और हैवी,
स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल एंड हैवी। स्पर्मेटिड बच्चों नॉन मोटाइल और हैवी होते हैं, स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल और हैवी होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्म्स में, ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्म्स में विच आर मोटाइल। तो एक नॉन मोटाइल, तो एक नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को, हैवी स्पर्मेटिड को एक छोटे साइटोप्लाज्म वाले स्पर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है, मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट होना है, इसको बोलते हैं प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि स्पर्मेटिड जो है यहां पर हैप्लोइड वाले, ये होते हैं नॉन मोटाइल और हैवी, इसको अपने साइटोप्लाज्म को कम करना पड़ेगा, मोटाइल बनना पड़ेगा, मोटाइल स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। तो जब एक स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो एनसीईआरटी ने यहां पर बच्चों डिफरेंशिएशन लिख रखा है, डिफरेंशिएशन नहीं, इस प्रोसेस का एक्चुअल नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस का एक्चुअल में नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। और इसमें सर्टोली सेल्स मदद करती हैं, इसमें सर्टोली सेल्स मदद करती हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है क्या उसको समझ लेते हैं, एक तो आपको स्पर्मियोजेनेसिस समझाया, एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, परमिएशन, स्पर्म हेड आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स are finally released from seminiferous tubule is called spermiation। तो अब पूरा का पूरा हमें समझना है, तो पूरे की पूरी बात को समझना, देखो सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया इमैच्योर मेल जर्म सेल्स थे डिप्लॉयड कंडीशन, माइटोसिस से इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया और ये बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ना पूरा क्लियर रखना ना, फिर से सुनो, हमारे पास थे टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया जो कि थे डिप्लॉयड, माइटोसिस से इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया पहले बहुत सारा, नंबर बढ़ाने के बाद उनमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज आल्सो डिप्लॉयड। अब ये मियोसिस में जाए तो फर्स्ट मियोसिस होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएगा, फिर ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएगा और यहां पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद ही बनाएगा दो से चार स्पर्मेटिड विच इज ऑल्सो हैप्लॉयड। अब स्पर्म मोटाइल होते हैं, स्पर्मेटिड नहीं होते, तो स्पर्मेटिड्स हैं नॉन मोटाइल और हैवी, तो ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे, साइटोप्लाज्म को कम करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक नॉन मोटाइल और हैवी स्पर्मेटिड जब स्पर्म में कन्वर्ट होता है बच्चों, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और उसके बाद क्या है देखो, यही मैंने बनाया था कि सबसे बाहर स्पर्मेटोगोनिया है, यही मैंने बनाया था सबसे बाहर स्पर्मेटोगोनिया है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, स्पर्म्स का हेड सर्टोली सेल्स के अंदर है, वो अपने हेड को सर्टोली सेल से बाहर निकालेंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, समझे बच्चों, क्लियर है, ओके। अब यहीं पर हॉर्मोनल रेगुलेशन की बात भी कर रखी है, यहीं पर हार्मोनल रेगुलेशन की बात भी कर रखी है मेल्स की, हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स क्या कर रखी है कि प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस भैया जीएनआरएच को रिलीज करेंगे, प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस भैया जीएनआरएच को रिलीज करेंगे, ये जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, ये जीएनआरएच बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा
और एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगी गोनैडोट्रोपिन को, एलएच को और एफएसएच को। एलएच क्या करता है, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। एलएच लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करवाकर सिक्रेट करवाता है इनसे एंड्रोजन्स। हम बेसिकली देख रहे हैं कि हॉर्मोन्स कैसे मेल में काम करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, जीएनआरएच को रिलीज कर रहा है जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी गोनैडोट्रोपिन को सिक्रेट कर रही है, एलएच और एफएसएच को। वो क्या रहा है, एलएच लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है जिससे एंड्रोजन सिक्रेट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एंड्रोजन सिक्रेट हो रहा है बच्चों, ठीक है। और दूसरी तरफ एफएसएच की बात करें, तो एफएसएच सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, सर्टोली सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं एज दे फैगोसाइटोज एक्सेस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिक। सर्टोली सेल्स का एक फंक्शन तो आप सभी को पता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्म्स को। दूसरा फंक्शन क्या है, ये स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। कैसे, स्पर्मेटिड का एक्सेस साइटोप्लाज्म बच्चों ये खा जाते हैं, स्पर्मेटिड का एक्सेस साइटोप्लाज्म ये क्या करते हैं, खा जाते हैं, राइट। तो स्पर्मियोजेनेसिस मदद कर रहे हैं, ये है हॉर्मोनल रेगुलेशन, ठीक है, ये है हॉर्मोनल रेगुलेशन। अब उसके बाद अगर बच्चों टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, बॉडी में और बनाने की जरूरत नहीं है, वो नेगेटिव फीडबैक दे देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को। और वही बात करें सर्टोली सेल्स की, सर्टोली सेल्स इनिबिन सिक्रेट कर देती हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक दे देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और वो एफएसएच का सिक्रेशन बंद कर देता है। अगर काफी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, और सर्टोली सेल्स इनिबिन सिक्रेट करेंगे जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दे देगा ताकि एफएसएच और नहीं चाहिए। पढ़ लो बच्चों, देखो ब्रेक देने का बच्चों मेरा भी मन है, कोशिश करेंगे अगर बीच में दे पाया तो, मैं फिलहाल नहीं दे सकता, चैप्टर बड़ा है दोस्त, ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफी बड़ा चैप्टर है, इशू ये है, और आपकी 6 बजे से दूसरी क्लास भी है तो वो इशू है मेरे साथ। छोटा चैप्टर होता था आई वुड हैव ट्राइड, कोशिश करूंगा बीच में अगर बन पाएगा, फिलहाल तो पढ़ लो थोड़ी देर बच्चों, अभी तो नहीं हो पाएगा, समझो जी। तो मैंने बोला एंड्रोजन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, और टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए, और सर्टोली सेल्स इनिबिन के थ्रू नेगेटिव फीडबैक देगी किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एफएसएच नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्पर्म की अगर हम बात करें, स्पर्म का यह है स्ट्रक्चर। स्पर्म के स्ट्रक्चर में चार चीजें होती हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड की बात करें बच्चों, हेड में एक तो न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड, और एक होता है एक्रोसोम, जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन के दौरान, बच्चों पेनिट्रेशन में मदद करेंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बोलते हैं स्पर्म लाइजेंस, एंड स्पर्म लाइजेंस की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाई एल्यूरोनिडेस, जो क्या करेगा, डिजॉल्व्स हाई एल्यूरोनिक एसिड बिटवीन कोरोना रेडिएटा, एक तो ये दूसरा है TPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो आपको नाम से पता चल रहा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को हटाएगा बच्चों, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को हटवाएगा। और लास्ट है जोनालाइसिन, एक्रोसिन भी बोलते हैं, जो कि जोना पेलिसिडा को यहां पर हटा देगा,
नेक की बात करें तो नेक बहुत छोटा सा होता है, शॉर्ट एरिया होता है नेक, और यहां पर होती है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहां पर होती है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहां पर बच्चों होती है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट। हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो चार पोर्शन में डिवाइडेड है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड पोर्शन की बात करें तो हेड पोर्शन में एक तो है न्यूक्लियस जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा, दूसरा होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एक होता है हाई एल्यूरोनिडेज जो कि कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में हाई एल्यूरोनिक एसिड ग्राउंड सब्सटेंस को हटाता है। दूसरा होता है सीपीई कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि कोरोना रेडिएटा को हटाता है। तीसरा है जोना लाइसिन एक्रोजिन जो कि जोना पेलोसिडा को हटाएगा। ये सब अभी आप देख लोगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, ओके ओके, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट इज है नेक पोर्शन। नेक पोर्शन बच्चों छोटा सा होता है, इसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होती है, जो कि जाइगोट के पहले डिवीजन में मदद करती है। और दूसरी होती है डिस्टल सेंट्रियोल, जो कि एक्सियल फिलामेंट को बनाता है 9+2 अरेंजमेंट वाली, मतलब फ्लैजुलर मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। तो डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट को बनाती है, यहां पर नेक पोर्शन में ये होती है। मिडल पीस की बात करें तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, मिडल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी मोटिलिटी के लिए। मिडल पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी मोटिलिटी के लिए, और टेल पोर्शन क्या प्रोवाइड करेगा इसको, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। टेल पोर्शन इसको क्या प्रोवाइड करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये है बात, ठीक है। तो एट द एंड अब हमने क्या सीख लिया है, बात करते हैं सीमन की। सीमन में एक तो स्पर्म होता है, साथ में होता है बच्चों सेमाइनल प्लाज्मा। जिसमें सीक्रीशंस आएंगे, किसके, सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसमें सीक्रीशन आएंगे बच्चों सेमिनिफेरस टिब्यूल के, एपिडीडाइमिस के, वैस डिफेंस के, सेमाइनल वेसिकल के, उसके अलावा प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड के, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट इज अ फ्लैजुलर स्ट्रक्चर, 9+2 अरेंजमेंट होती है, ओके। तो सिक्रीशन स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, सिक्रीशन किस किस के हैं, सेमिनल प्लाज्मा में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सिक्रीशन है, एपिडीडाइमिस का सिक्रीशन है, वेल्स डिफेंस का सिक्रीशन है, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है। सीमन की बात करें तो ये 2.5 to 5 ml होता है पर इजैकुलेशन, पीएच बच्चों 7.2 से 7.4 हो जाएगी, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और हम बोलते हैं कि देयर आर 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन। सीमन की बात करें, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा है, सेमाइनल प्लाज्मा में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडीडाइमिस, वेस डिफेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कॉपर बच्चों सब के सिक्रेशन। 2.5 to 5 ml होता है पर इजैकुलेशन।
पीएच 7.2 से 7.4 होगा, स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर इजैकुलेशन, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन यहां पर देखने को मिलते हैं। और हम बोलते हैं कि इनमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, इनमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और उनमें से 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। उनमें से 40% के पास क्या होगी बच्चों? विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो एट द एंड पता क्या कह सकते हैं, मान लो 200 मिलियन मान लो, तो 200 का 60% कितना हो गया? 120। और इसका 40% मिलियन स्पर्म्स काम के होने चाहिए, मतलब इनके पास नॉर्मल शेप होगा, साइज भी नॉर्मल होगा और विगरस मोटिलिटी होगी। तो ये है कैलकुलेशन, और यहां तक आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने चल रहे हैं ऊजेनेसिस को, नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं ऊजेनेसिस को, ठीक है। ऊजेनेसिस की अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों? मैच्योर फीमेल गैमेट को बनाना, मैच्योर फीमेल गैमेट को बनाना इज ऊजेनेसिस। मैच्योर फीमेल गैमेट को बनाना बच्चों इज ऊजेनेसिस। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये प्यूबर्टी पे शुरू नहीं होता, डिफरेंस ये है कि ये प्यूबर्टी पे शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मतलब फीटल ओवरी में ही ये शुरू हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही शुरू हो जाएगा, राइट। देखिए जरा ध्यान से, ऊगोनिया है डिप्लॉइड कंडीशन में, ऊगोनिया है डिप्लॉइड कंडीशन में, ये अपने नंबर को बढ़ाएगी बच्चों, कैसे बढ़ाएगी? माइटोसिस की मदद से, ये अपने नंबर को बढ़ाएगी माइटोसिस की मदद से, और फाइनली डिफरेंशिएट हो जाएगी प्राइमरी ओसाइट में डिप्लॉइड कंडीशन। तो अगर हम बात करें फीटल ओवरी, अगर हम बात करें फीटल ओवरी की, तो हम बोलते हैं अ कपल ऑफ मिलियन ऊगोनिया आर प्रेजेंट। फीटल ओवरी की बात करें या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, फीटल ओवरी की बात करें या फिर बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, तो कपल ऑफ मिलियन ऊगोनिया प्रेजेंट होते हैं। कपल ऑफ मिलियन ऊगोनिया क्या होते हैं? यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और आपको याद रखनी है कि इसके बाद कोई भी और ऊगोनिया एड नहीं होगी आफ्टर बर्थ, नो मोर ऊगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ, नो मोर ओगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीटल ओवरी में मिलियंस में ओवरी में क्या होती है? ओगोनिया होती है, ठीक है। उसके बाद कोई भी और ओगोनिया बर्थ के बाद एड नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रह गई। तो फीटल लाइफ में क्या हुआ? फीटल लाइफ में ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट बना डिप्लॉयड कंडीशन में, और वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एंटर करा। लेकिन होता क्या है देखिए, प्राइमरी ओसाइट बच्चों, प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में होता है, प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में होता है, और इसमें भी ये डिप्लोटिन स्टेज में ऑफ प्रोफेज वन, जो कि मियोसिस वन का है, क्या हो जाएगा? टेम्पोरेली अरेस्टेड। तो फीटल ओवरी में मिलियंस में ओगोनिया होती है, फीटल ओवरी में ओगोनिया होती है मिलियंस में, उतनी ही रहती है। उसके बाद कोई भी बर्थ के बाद एड नहीं होगी, और ओगोनिया डिफरेंशिएट होकर बनती है प्राइमरी ओसाइट। जब प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में होती है, जब प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में होता है, तो बच्चों वो प्रोफेज वन में
देखो प्राइमरी ओसाइट हमें पता है कहां पर, मियोसिस वन में एंटर करेगा। अब मियोसिस वन के प्रोफेज वन में और उसमें भी डिप्लोटिन स्टेज में ये टेम्पोरली अरेस्ट कर जाएगा, कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। और जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक ये अरेस्ट ही रहता है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक ये अरेस्ट ही रहता है। तो आप देख सकते हो फीटल के बाद बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी तक इसका डिवीजन नहीं हुआ था। बट अब हमें समझना है कि प्राइमरी ओसाइट और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है। तो चलिए बनाते हैं कुछ डायग्राम्स। चलिए बनाते हैं कुछ डायग्राम्स को बच्चों। तो देखो ध्यान से, ठीक है, ये हम बना रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल को, तो यहां पर बाहर वाली लेयर को एक बारी दोबारा से बना लेते हैं, वो गायब ही हो गई है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये जो अंदर वाला है ऑरेंज कलर वाला, ये है प्राइमरी ऊसाइट, ये है प्राइमरी ऊसाइट। या एक सेकंड बच्चों, प्राइमरी ओसाइट है ये, हमने ये पढ़ा था कि जो कॉर्टेक्स एरिया होता है उसमें होते हैं फॉलिकल्स। हमने पढ़ा था जो कॉर्टेक्स एरिया होता है बच्चों, जो कॉर्टेक्स एरिया होता है वहां पर फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स को स्ट्रोमल टिश्यू क्या करता है, सराउंड करता है। तो उसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और अब इसकी लेबलिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। तो देखो भाई, सबसे अंदर है प्राइमरी ओसाइट, सबसे अंदर है प्राइमरी ओसाइट 2N कंडीशन, ठीक है। उसके बाहर है बच्चों फॉलिक्यूलर सेल्स, उसके बाहर है फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं स्क्वैमस सेल्स, और जब भी एपिथीलियम आता है एपिथीलियम के बाहर आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चों ये है स्ट्रोमल सेल्स, इसलिए स्ट्रोमा बोल रहे थे, और ये बाहर की तरफ है कोलाजन फाइबर्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसमें सेंटर में प्राइमरी ऊसाइट है, बाहर की तरफ फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, उससे बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उससे बाहर स्ट्रोमल सेल्स है और फिर कोलाजन फाइबर्स है, ये होता है प्राइमरी फॉलिकल। तो ये आप देख सकते हैं कि प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है, ये है प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। पहली स्टेज तो बच्चा पार्टी ये है, दूसरी स्टेज में देखो क्या होने वाला है। दूसरी स्टेज को बना के देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर फॉलिक्यूलर सेल्स मल्टी लेयर्ड कंडीशन में आ गई हैं, वहां पर सिंगल लेयर था, यहां मल्टी लेयर्ड कंडीशन में आ गई हैं।
और इसके बाहर हम वही दिखा देते हैं, के बाहर हम वही दिखा देते हैं। क्योंकि पता है बच्चों को दिक्कत ये आती है कि प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस नहीं होता, तो बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से सुनना यार, समझना इसको। और एक बार बता दो मुझे चैट बॉक्स में कि तुम्हें ये डायग्राम वगैरह बात समझ में आ रही है कि हम क्या बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, एक बारी बता दो मुझे, ठीक है, एक बारी बता दो मुझे। तो अगेन दिस इज योर प्राइमरी ओसाइट बच्चों, अभी तक प्राइमरी ओसाइट ही है, अब तक प्राइमरी ओसाइट ही है। अब बस हुआ क्या है कि यहां पर जो फॉलिकुलर सेल्स ने एक सिंगल लेयर बना रखी थी, यहां उन्होंने मल्टी लेयर्ड बना ली, तो मल्टी लेयर्ड होने की वजह से अब इनको फॉलिकुलर सेल्स नहीं ग्रैनुलोसा सेल्स बोलेंगे, इनको फॉलिकुलर सेल्स नहीं बच्चों ग्रैनुलोसा सेल्स बोलेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन तो है ही बाहर, फिर बाहर बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन तो है ही है, उसके बाद ये जो बाहर की लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की लेयर है, इसको यहां पर नाम दिया जाता है थैका लेयर, पढ़ा होगा आपने थैका लेयर। तो ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता कब है, ये जरूरी है। देखो ये अगर हम बात करें तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन गया था, प्राइमरी फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन गया था, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल बनता है प्यूबर्टी आने पर, तो ये प्यूबर्टी आने पर फॉर्म होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है एट प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है कि प्यूबर्टी पर 60,000 से 80,000 फॉलिकल ही रह जाते हैं ईच ओवरी में, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं कौन सी प्रोसेस से, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। तो फॉलिक्यूलर एट्रेशिया से बच्चों बाकी क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था फीटल ओवरी में कपल ऑफ मिलियन ऊगोनिया थे, तो मिलियन में रहने चाहिए, लेकिन प्यूबर्टी आते आते 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं ईच ओवरी में, बाकी मर जाते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। तो प्राइमरी फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, उसके बाद इतने बचेंगे प्यूबर्टी पे प्राइमरी फॉलिकल जो कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है बात, ठीक है बात, क्लियर है। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट है, बाहर की तरफ फॉलिक्यूलर सेल्स है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाहर स्ट्रोमल सेल्स है क्योंकि स्ट्रोमा पड़ा था, और कोलेजन फाइबर्स है। क्या हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में भैया एक तो जो फॉलिक्यूलर सेल्स थी वो मल्टीलेयर्ड कंडीशन में आ गई ग्रैनुलोसा सेल्स की फॉर्म में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर एक नई लेयर बन रही है जिसको हम बोल रहे हैं थैका लेयर। तो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी फॉलिकल के, ठीक है। अब बताओ क्लियर है, अब बताओ क्लियर है, ठीक है। एक बार और देखो यार, सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ फॉलिक्यूलर सेल्स है, फॉलिक्यूलर सेल्स है, सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। उसके बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, स्ट्रोमल सेल्स है। हमने पढ़ा तो था कि आउटर एरिया कॉर्टेक्स होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, क्यों, स्ट्रोमल सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू बेसिस, और कोलेजन फाइबर्स है। अब प्यूबर्टी आने पर मात्र इतने ही फॉलिकल्स बचते हैं ओवरी में, बाकी मर जाते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया से, तो
तो प्यूबर्टी आने पर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पर फॉलिकुलर सेल्स मल्टीलेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर थैका लेयर बन रही है। ठीक है, ठीक है भाई। ऊसाइट और फॉलिकल में डिफरेंस क्या है? फॉलिकल के अंदर बच्चे ऊसाइट है, यह है डिफरेंस यार। सेल बदल लेता हूं एक मिनट। ठीक है, ओके ओके ओके, आ गया, क्लियर है। अब बच्चा पार्टी देखो आगे क्या हो रहा है, अब बच्चा पार्टी देखो आगे क्या हो रहा है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, कलर एक बार ही देख लेते हैं ताकि हम कलर वही यूज करें। तो सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शरी फॉलिकल बनाने चल रहे हैं हम। एंट्रम वगैरह पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो शायद अब आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लेते हैं साइड। तो ये हो जाएगा, देखो नेक्स्ट, अभी हम बनाने चल रहे हैं टर्शरी फॉलिकल। क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं बच्चों टर्शरी फॉलिकल। ठीक है बात, और ये आ जाएंगे फिर सबसे बाहर हमारी कोलेजन फाइबर्स। तो देखो अभी तक टिल दिस मोमेंट प्राइमरी ऊसाइट है, अब वो सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये है प्राइमरी ऊसाइट, और यहां पर एक नई चीज आ गई है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। एंट्रम है यहां पर, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसके अलावा ये तो पता ही है तुम्हें, ग्रैनुलोसा सेल्स हो गई, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाली सेल की लेयर, ये है थैका इंटरना लेयर। और ये वाली है बच्चों थैका एक्सटर्ना लेयर, मतलब थैका लेयर यहां पर डिफरेंशिएट हो गई है थैका इंटरना थैका एक्सटर्ना में, जिसको कलेक्टिवली थैका फॉलिकुलाई लेयर बोलते हैं। और एक एनसीईआरटी बात बोलती है कि जो ग्रोइंग फॉलिकल है, एनसीईआरटी बात बोलती है कि भैया जो ग्रोइंग फॉलिकल है वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, तो ये जो थैका इंटरना लेयर होती है यही ग्रोइंग फॉलिकल में सिक्रीट करती है ईस्ट्रोजन को। तो ये है बच्चों आपका टर्शरी फॉलिकल, दिस इज योर टर्शरी फॉलिकल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में बोली गई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में बहुत बोली गई है, क्या क्या बोली गई है देखो,
प्राइमरी ओसाइट एंड टर्शरी फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी ओसाइट जब टर्शरी फॉलिकल में होता है, प्राइमरी ओसाइट जब टर्शरी फॉलिकल में होता है तो वो अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और जब पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा तो बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, और कौन बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहां पर ही अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, और यहां थैका लेयर डिफरेंशिएट हो गई थी थैका इंटरना थैका एक्सटर्ना में, थैका इंटरना ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है, और साथ ही साथ यहां पर एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बन जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है आपका बड़ा सा व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल। द टाइम इज फॉर ग्राफियन फॉलिकल बच्चों, समय आ गया है ग्राफियन फॉलिकल का। ठीक है, ओके जी, ठीक है। ये तो बच्चों अब अगर प्राइमरी ओसाइट ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करा है टर्शरी फॉलिकल स्टेज में, टर्शरी फॉलिकल स्टेज में, तो यहां पर एक नया बंदा आ चुका है। नया बंदा कौन आ चुका है, यह है बच्चों सेकेंडरी ओसाइट, एंड सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉयड होता है, तो यह है सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉयड है, ये सेकेंडरी ओसाइट के बाहर बात करें तो ये जो उसके बाहर की तरफ लेयर है, सेकेंडरी ओसाइट के जो बाहर की तरफ येलो कलर की लेयर है बच्चों, यही होती है जोना पेल्यूसिडा, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसी को बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। उसके अलावा इसके बाहर की तरफ जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ये कैविटी एंट्रम ही हो जाएगी और बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो ग्राफियन फॉलिकल में अब आपको सेकेंडरी ओसाइट देखने को मिलेगा जो कि हैप्लॉयड होता है, बाहर जोना पेल्यूसिडा देखने को मिलेगी जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की ए सेल्यूलर लेयर होती है, जोना पेल्यूसिडा ए सेल्यूलर लेयर होती है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। उसके अलावा जो ग्रैनुलोसा सेल्स बच्चों जोना पेलिसिडा से जुड़े हुए हैं उनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, एंट्रम इज ऑल्सो हेयर, और बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। और ये हमारा फाइनली बन चुका है यहां पर ग्राफियन फॉलिकल, ये हमारा फाइनली बन चुका है ग्राफियन फॉलिकल। सारे फॉलिकल्स मैंने आपको यहां पर बना के दिखा दिए हैं, एक बार प्लीज जल्दी से बताएंगे कि यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, एक बार जल्दी से बताओ यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है। डिटेल नहीं बढ़ा रहा, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी में डायग्राम दे नहीं रखा, बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए डायग्राम बना के बता रहा हूं, इतना ही एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं पूरी। ओके ओके ओके।
तो अब वापस चलो इधर देखो, तो कपल ऑफ मिलियन उगोनिया थे प्रेजेंट फीटल ओवरी में, कोई और उगोनिया नहीं जुड़ेगा। फिर क्या हुआ कि उगोनिया प्राइमरी ओसाइट बनकर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रोफेज वन में डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गया था। कब तक ऐसा रहा? जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती, और प्यूबर्टी आने पर हमने देखा कि 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ईच ओवरी में बचे हुए थे। अब प्यूबर्टी आने के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा टर्शरी फॉलिकल स्टेज में। प्राइमरी ओसाइट टर्शरी फॉलिकल स्टेज में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को क्या करेगा बच्चों? कंप्लीट करेगा। एक तरफ मिलेगी फर्स्ट पोलर बॉडी और एक तरफ मिलेगा सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट भी ओवम नहीं बनता डायरेक्ट, सेकेंडरी ओसाइट भी मेटाफेस टू में, बच्चों सेकेंडरी ओसाइट भी मेटाफेस टू में, मियोसिस टू में अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक स्पर्म नहीं आता। कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक स्पर्म नहीं आता। जब स्पर्म आएगा, जब सेकेंडरी ओसाइट के साथ स्पर्म आएगा, जब सेकेंडरी ओसाइट के साथ स्पर्म आएगा तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। तब सेकेंड मियोसिक डिवीजन क्या होगा? कंप्लीट होगा और बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। तो याद रखना, सेकेंडरी ओसाइट भी मेटाफेस टू में अरेस्ट हो जाता है। कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक आकर स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं करता। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी तब जाकर मियोसिस टू कंप्लीट होगा और ये ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ये है ऊजेनेसिस, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, एक बार जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। यहां तक क्लियर है ओजेनेसिस? जल्दी से एक बार जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। बता दो एक बार जल्दी से। ओके, ओके ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट अब हम पढ़ने चल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो बच्चों फीमेल प्राइमेट्स में, यानी मंकी में, एप्स में और ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, फीमेल प्राइमेट्स में, मंकी में, एप्स में और ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये प्यूबर्टी पे बिगिन होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं बच्चों क्या? मेनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलेंगे मेनार्क। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मेनोपॉज। यहां पर नोटिस करने वाला पॉइंट ये है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोल रहे हैं मेनार्क, लास्ट मेंस्ट्रुएशन को बोल रहे हैं मेनोपॉज। ये प्यूबर्टी पे शुरू होगा और ये मेनोपॉज जनरली होता है 50 साल के आसपास। मेनोपॉज जनरली होता है बच्चों 50 साल के आसपास। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल चार फेजेस में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चार फेजेस में होता है। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। बच्चों ये फर्स्ट से फिफ्थ डे तक होता है। सर ये क्या है, फिर से समझते हैं। हमने पढ़ा कि फीमेल प्राइमेट्स यानी मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। प्यूबर्टी पे शुरू होता है, प्यूबर्टी पे शुरू होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोल रहे हैं मेनार्क, लास्ट को बोल रहे हैं मेनोपॉज, जो कि 50 साल के आसपास होगा। ठीक है बात। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले होता है कौन सा बच्चों? मेंस्ट्रुअल फेज। बट उससे पहले एक बात बता देता हूं कि जनरली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। जनरली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों 28 डेज का होता है। तो उसी रिस्पेक्ट में मैंने बोला जो फर्स्ट वाला फेज है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, और ये पहले से पांचवें दिन तक होता है। इसमें क्या होता है,
ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इट्स ब्लड वेसल तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 दिन का हो सकता है। उसमें सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज पहले से पांचवें दिन के बीच में होता है। इस दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल टूटती है। अब एंडोमेट्रियम और उसकी बच्चों ब्लड वेसल टूट रही है तो वो ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आती है। एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल टूट रही है, ये ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आती है। किसकी मदद से, वजाइना की मदद से। इसकी मदद से, वजाइना की मदद से। अगर आप ध्यान से देखो तो पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन जो कि पहले से पांचवें दिन पर है और सबसे नीचे आपको यूटेराइन इवेंट्स में एंडोमेट्रियम दिख रही है। आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियम कितनी टूट चुकी है, तो ये मेंसेस की फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आ रहा है। मेंसेस मतलब ब्लीडिंग। अब बात यह आती है कि एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल क्यों टूटी। तो एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल क्यों टूटी उसको समझते हैं। इट अकर्स व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता सेकेंडरी ओसाइट का, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता सेकेंडरी ओसाइट का, तब मेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मेंसेस नहीं हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं है, तो प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज है, और अगर मेंसेस नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे इंडिकेट प्रेगनेंसी। बट जरूरी नहीं है कि अगर किसी का मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आ रहा है तो उसको प्रेगनेंसी ही हो। बट जरूरी नहीं है कि अगर किसी का मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आ रहा है तो उसको प्रेगनेंसी भी हो। इसकी इसका और क्या रीजन होता है, कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। क्या है बच्चों, फिर से समझते हम ये बोल रहे हैं, सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज जो कि पहले से पांचवें दिन में होता है। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल टूट जाती है जो कि ब्लीडिंग की फॉर्म में वजाइना से बाहर आती है। ठीक है, क्या रीजन हो सकता है, भाई पहला रीजन है ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम रखने का फायदा है नहीं क्योंकि इम्प्लांटेशन होना नहीं है, तो एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल टूटेगी जो कि ब्लीडिंग मेंसेस की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। अब अगर किसी को मेंसेस नहीं हो रहे, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसको प्रेगनेंसी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको स्ट्रेस कंडीशन है, पुअर हेल्थ है, क्योंकि स्ट्रेस और पुअर हेल्थ कंडीशन में क्या होता है, मेंसेस लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इंबैलेंस। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये है बच्चों आपका पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरे में क्या होता है, दूसरा क्या है बच्चों, फॉलिक्यूलर फेज जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। हम लोग जादू टोना कर रहे हो क्या, ऐसा लग रहा है बोर्ड में जादू टोना हो गया, बोर्ड में चल ही नहीं पा रहा मार्कर, क्या भाई जादू टोना कर रहे हो क्या, क्या जादू टोना चल रहा है क्या यहां पे, अरे बाप रे भाई, मेरे को लग रहा है भाई बच्चे बुरा मान गए, ब्रेक नहीं लिया तो बच्चों इतना गुस्सा, मेरा बोर्ड ही हैंग हो गया है बच्चों, मेरा बोर्ड ही हैंग हो गया है, मतलब ब्रेक ले लेते, 5 मिनट का ब्रेक रख रहे हैं, 5 मिनट्स ब्रेक, टाइम हो रहा है 4:21, 4:26 पे मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से, तब तक मैं अपने बोर्ड को सही करता हूं। ठीक है, 5 मिनट्स वैसे चलने लग गया है ये, 5 मिनट्स मिलते हैं बच्चों, 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स
बहुत दुख है, दिख रहा है तुम लोगों के दुख चेहरे पे। जल्दी से आओ 5 मिनट में, तब तक इसको हम सही करते हैं भाई। चलो चलो जल्दी से आओ। बच्चों कहीं जाना नहीं है, कर रहे हैं क्लास कंटिन्यू, खत्म करके जाना चैप्टर, कहीं जाना नहीं है, मैं भी यही हूँ, चाहे बोर्ड चलेगा नहीं चलेगा क्लास खत्म करेंगे। ऑल राइट बच्चा कंटिन्यू कर रहे हैं, इश्यू इज सॉल्व, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग फॉलिकुलर फेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो फॉलिकुलर फेज को बच्चों और प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं।
फॉलिक्यूलर फेज को बच्चों हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। अब होगा क्या, यहां पर बॉडी में एलएच बढ़ेगा और एफएसएच बढ़ेगा, एलएच और एफएसएच दोनों बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगी, जिससे क्या होगा बच्चों, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगी। फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, सोना तुम लोग यहीं पर एक बार जल्दी से बता दो, ब्रेक तो मिल गया है भाई, तुम लोगों ने ऐसा जादू टोना करा कि बॉडी हैंग हो गया यार, अब तो आ जाओ वापस खत्म करना ना चैप्टर को, साथ में एक बार जल्दी से बता दो बच्चों मुझे। हाँ जी, तो प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिक्यूलर फेज की बात करें तो एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगी। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का बच्चा मतलब यह है, आप लोगों ने अभी पढ़ा क्या कि एक प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में, एक प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो जब फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही थी तो हमने पढ़ा था ग्रोइंग फॉलिकल, सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन, थैका इंटरना ईस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रही थी, थैका इंटरना ईस्ट्रोजन को क्या कर रही थी, सिक्रीट कर रही थी। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोलिफरेशन करवाता है एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम को बिल्ड करता है, प्रोलिफरेशन करवाता है एंडोमेट्रियम का बच्चों, एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करता है ईस्ट्रोजन, इसलिए बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। कैसे, देखो फॉलिक्यूलर फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, तो इसमें क्या होता है, एफएसएच का और एलएच का लेवल बढ़ रहा है, एफएसएच और एलएच फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं, एक चीज तो ये हो गई। फिर हमने पढ़ा था ग्रोइंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है, तो ईस्ट्रोजन सिक्रेट होगा वो एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाना शुरू कर देगा, इसलिए बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट फॉलिक्यूलर फेज, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और ये जो होता है बच्चों, ये होता है 6 to 13 days का, इसके बाद नंबर 3 आएगा ओव्यूलेटरी फेज, तो ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से, एलएच का अमाउंट बढ़ेगा, एफएसएच का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस है एलएच पे। एलएच की सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीजेस सेकेंडरी ऊसाइट। बच्चों ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन एलएच और एफएसएच को बढ़ाता है, उसकी वजह से एलएच सड़ जाएगा, एलएच का अमाउंट बढ़ेगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज करेगा, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, और 28 दिन के साइकिल में जनरली ये 14th डे पर होता है, मतलब मिडल ऑफ द साइकिल, में देखिए ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से, एलएच और एफएसएच बढ़े, ये है एलएच की सर्ज, और ग्राफियन फॉलिकल, ये जो मैच्योर फॉलिकल है ये रप्चर होके ओवुलेशन कर रहा है, ओवुलेशन डे पर, जो कि मिडल ऑफ द साइकिल 14th डे पर हो रहा है, ठीक है। और लास्ट जो फेज होता है वो होता है ल्यूटियल फेज, इसको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं, और ये बच्चों 15th से 28th डे तक होता है। पहली चीज तो यहां पर क्या होगा, एलएच कन्वर्ट्स रेमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, into
एलएच कन्वर्ट्स रेमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। एलएच बच्चों जो देखो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट अलग हो गया, सेकेंडरी ओसाइट के अलावा जो फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा रहता है वो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है तो ल्यूटियल फेस, और ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रॉन को और ईस्ट्रोजन को, ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रॉन को और ईस्ट्रोजन को, तो इसको सिक्रीटरी फेज भी इसीलिए बोलते हैं। देख लेते हैं बच्चा पार्टी, देखो यार क्या हो रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना, कॉर्पस ल्यूटियम जो बना उसने सिक्रीट करा प्रोजेस्ट्रॉन को, प्रोजेस्ट्रॉन की पीक आ रही है, और ईस्ट्रोजन को, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को प्रमोट करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को प्रमोट करेंगे। कैसे प्रमोट करेंगे, प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन को क्या करते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। क्यों बच्चों, क्योंकि इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, और एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है, ईस्ट्रोजन। तो इस तरीके से ये प्रेगनेंसी की तरफ लीड करेंगे। आप देखिए यहां से एंडोमेट्रियम कितनी बड़ी हो गई है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, और मेंटेन कर रहा है प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो, अब अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता रहेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, मर जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जब मरता है तो बनता है कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस ल्यूटियम मर गया तो प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन घट गया, दोनों घट गए तो ना एंडोमेट्रियम रहेगी, तो एंडोमेट्रियम टूटेगी, मेंसेस हो जाएगा, दोबारा से यही होता रहेगा। ये है बच्चों, ठीक है। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, कॉपुलेशन होगा, क्वाइटस होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, कॉपुलेशन क्वाइटस होगा, और स्पर्म या सीमन रिलीज होगा पेनिस से, कहां पर जाएगा, वेजाइना के अंदर, इसको बोलेंगे इनसेमिनेशन। सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन, क्वाइटस होगा, जिससे सीमन पेनिस से वेजाइना में एंटर करेंगे, इनसेमिनेशन होगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक तरफ से स्पर्म बढ़े एम्पुला तक, एक तरफ स्पर्म बढ़े एम्पुला की तरफ, और दूसरी तरफ ओवरी से आए ओवम। तो दोनों का अगर साइमल्टेनियस मूवमेंट होगा, मतलब एक तरफ से स्पर्म जा रहा है एम्पुला की तरफ और दूसरी तरफ से ओवम आ रहा है, कहां पे ओवम या पर्टिकुलरली सेकेंडरी ओसाइट बच्चों, कहां पर, एम्पुला में, तो फर्टिलाइजेशन होगा। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ जिसकी मदद से मेल पार्टनर ने पेनिस से क्या रिलीज करा, सीमन को रिलीज करा वेजाइना के अंदर, इनसेमिनेशन हुआ। अब हम चाह रहे हैं कि एक तरफ स्पर्म वेजाइना से यूट्रस से होते हुए पहुंचे एम्पुला में और दूसरी तरफ ओवम पहुंचे, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और एक यही बहुत बड़ा रीजन होता है कि हर सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्टिलाइजेशन की तरफ लीड नहीं कर पाता। देखो, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन में जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और इसमें एक और रीजन ये भी होता है बच्चों कि ओव्यूलेशन के बाद ओवम मात्र 24 घंटे तक सर्वाइव करता है, ओव्यूलेशन के मात्र 24 घंटे तक ओवम सर्वाइव करता है ओवुलेशन के बाद, और स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है 48 से 72 आवर्स इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो अगर साइमल्टेनियसली मूवमेंट हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि लाइफ स्पैन लिमिटेड है। अब मैंने आपको बताया था एक्रोसोम में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, तो जरा यहां पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको दिख रही होंगी कोरोना रेडिएटा की सेल, तो कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में होता है हाई एल्यूरोनिक एसिड, कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में होता है हाई एल्यूरोनिक एसिड।
जिसको हम हाई एल्यूरोनिडेज से हटाते हैं, कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में, कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में होता है हाई एल्यूरोनिक एसिड, जिसको हम हाई एल्यूरोनिडेज से हटाते हैं, आपको याद होगा एक्रोसोम में था। उसके बाद कोरोना रेडिएटा की सेल्स को हटाने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, और जोना पेलुसिडा को हटाने के लिए एक्रोसोम में था जोना लाइसिन। जोना पेलुसिडा को हटाने के लिए स्पर्म के एक्रोसोम में था लाइसिन। बच्चों याद करो जल्दी से फिर से, क्या यही वाला डायग्राम पीछे बनवाया था? तो देखो कोरोना रेडिएटा की सेल्स है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स आपस में चिपकी हुई है, तो इन चिपकी हुई सेल्स को दूर करने के लिए हाई एल्यूरोनिडेज रिलीज होता है, जो कि इनके बीच का हाई एल्यूरोनिक एसिड हटाता है। फिर कोरोना रेडिएटा की सेल्स हटानी है तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। फिर जोना पेलुसिडा को हटाना है तो नंबर 3। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, जब जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके, जब जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके स्पर्म आगे बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं, आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा बाय वन स्पर्म, इट हार्डन्स, इट हार्डन्स एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। बच्चों देखो, सबसे पहले हाई एल्यूरोनिडेज ने कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच का हाई एल्यूरोनिक एसिड हटाया, कोरोना रेडिएटा को हटाया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की मदद से, और जोनालाइसिन ने जोना पेलुसिडा को हटाया। ये तीनों कौन है, एक्रोसोम के एंजाइम से। उसके बाद जैसे ही एक स्पर्म जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है, जोना पेलुसिडा पत्थर के जैसे हार्ड हो जाती है। क्यों? ताकि कोई और स्पर्म इसको पेनिट्रेट ना कर पाए, फर्टिलाइज ना कर पाए, तो ऐसे पॉलीस्पर्मी कंडीशन को प्रिवेंट करा जाता है, राइट। और साथ ही साथ बच्चों, स्पर्म की एंट्री हो रही है ओवम में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। स्पर्म की एंट्री हो रही है कहां पर, ओवम में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, सेकेंड पोलर बॉडी अलग, एंड अब बनेगा ओवम, अब बनेगा ओवम। तो मतलब इस पॉइंट पर जब स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है, इस पॉइंट पर सेकेंड मियोट, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है इस पॉइंट पर, और यहां पर हमें मिल रहा है ओवम, जिसके पास मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होगा और सेकेंड पोलर बॉडी डीजनरेट कर जाएगी इस जगह पर। उसके बाद जाइगोट बनेगा बच्चों, इसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है वो एंटर करता है क्लीवेज में। जाइगोट जो एंटर करता है क्लीवेज में, मतलब वो दो सेल की स्टेज बनाएगा, चार सेल की स्टेज बनाएगा, और फिर 8 से 16 सेल की स्टेज बनाता है, 8 to 16 सेल स्टेज बनाता है, जिसको हम मॉरिला बोलते हैं। तो स्पर्म जब ओवम से जुड़ा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी ओसाइट बना क्वाट ओवम, और सेकेंड पोलर बॉडी डीजनरेट कर गया। जाइगोट बनने के बाद अब यहां से क्लीवेज शुरू है, जाइगोट बनने के बाद यहां से क्लीवेज शुरू है, दो सेल स्टेज बनेगी, एक सेल से 4 सेल, 8 सेल, और 8 से 16, ये 8 है ये 16 है, 8 से 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मॉरुला, और मॉरुला के बाद बनती है ब्लास्टोसिस्ट। मॉरुला के बाद बनती है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, अंदर की तरफ होती हैं इनर सेल मास, और इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसीन। तो पहले तो एक दिमाग में क्वेश्चन तुम्हारे ये आ रहा होगा, सर ये जो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ बन रही हैं, इन सेल्स को बोलते क्या है? तो बच्चों इन सेल्स को ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 8 से 16 सेल स्टेज को मॉरुला बोलते हैं, और मॉरुला कन्वर्ट होती है ब्लास्टोसिस्ट में, जिसमें बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं,
अंदर की तरफ इनर सेल मास है और एक कैविटी है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ये इनर सेल मास ही फ्यूचर में बनाएगा एम्ब्रियो, यही इनर सेल मास फ्यूचर में बनाएगा बच्चों एम्ब्रियो। तो यहां पर एच जी के बाद ये देखो जी इज ब्लास्टोसिस्ट, जी है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट का यहां पर क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट जब एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। बताओ एक बार जल्दी से बताएंगे बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ कि यहां तक की बात क्लियर है। एक बार मुझे बताओ जल्दी, यहां तक की बात क्लियर है? ओके वेरी गुड। तो मॉर्यूला, मॉर्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ये है ठीक है। क्लीवेज इज द माइटोटिक डिविजन्स जिससे जाइगोट सिंगल सेल, दो सेल, चार सेल, आठ सेल में ऐसे बढ़ता है। अब एक चीज और बच्चों यहां पर आपको समझनी होगी, एक चीज और यहां पर आपको समझनी होगी कि यही ब्लास्टोसिस्ट आगे जाकर कन्वर्ट होता है गैस्ट्रोला में, यही ब्लास्टोसिस्ट आगे जाकर कन्वर्ट होता है गैस्ट्रोला में, जिसमें तीनों जर्म लेयर्स होती हैं, जिसमें तीनों जर्म लेयर्स हमारी प्रेजेंट होती हैं। तीनों जर्म लेयर्स में कौन आ रहा है बच्चों, एक्टोडर्म सबसे बाहर आउटर, मेसोडर्म मिडल एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म इज इनर ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट फर्दर कन्वर्ट होता है गैस्ट्रोला में, जिसमें तीनों जर्म लेयर्स हमारी बन जाती हैं, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। क्योंकि तीनों जर्म लेयर्स बनेंगी तो यही फ्यूचर के ऑर्गन सिस्टम को बनाएगी। लाइक एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है, आंखें वगैरह बनती हैं, मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू बनेगा, एंडोडर्म से जीआईटी बनेगा, इस तरीके से। लेकिन इसी बीच में हमें यहां पर एक बात और देखनी है, क्या? इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स पे, जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और ये कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू से और मेटरनल ब्लड से सराउंड करती है। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो यहां पर प्लेसेंटल विलाई है इन्हीं को बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि ट्रोफोब्लास्ट सेल से बनती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और वो सराउंडेड होती है यूटराइन टिश्यू और मेटरनल ब्लड से। फर्दर बात ये बोली जा रही है कि ये जो कोरियोनिक विलाई है और यूटराइन टिश्यू है, ये जो कोरियोनिक विलाई है ये और यूटराइन टिश्यू है मदर का, ये दोनों आपस में जुड़कर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं व्हाट, प्लेसेंटा। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम यहां पर।
इसको मैंने एक रफ डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, जरा सा देख लेते हैं एक बार इसको। ये है एम्ब्रियो और ये है बच्चों अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है बच्चों एम्ब्रियो, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस इज कोरियोनिक विलाई, ये है एंडोमेट्रियम की वेन्यूल और ये है एंडोमेट्रियल आर्टरी। तो बच्चों देखो क्या क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि एक तो कोरियोनिक विलाई है और उसके चारों तरफ क्या है, ये है मैटरनल ब्लड, ये है मैटरनल ब्लड और ये हो गया यूटेराइन टिश्यू। वो मैटरनल ब्लड है, ये हो गया यूटेराइन टिश्यू, तो इसी वजह से हम बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं कि ये है फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ये है फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और ये है मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। जो एनसीईआरटी ने बोला उसी का मैंने एक डायग्राम बनाया, अब ध्यान से देखिए जरा। कह रहे हैं इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं कोरियोनिक विलाई और उसको मैटरनल ब्लड और यूटेराइन टिश्यू सराउंड कर रहे हैं। तो ये वाला जनरली जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और इधर बोलते हैं मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। और एक तरफ से सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि बच्चे और मदर के बीच में, बच्चे और मदर के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का कनेक्शन है जिसको यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई ने मिलकर बनाया, जिसको हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। समझ में आया, एक बार जल्दी से बताओ, समझ में आया? प्लेसेंटा बोल रहे हैं जिसको हम, क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटा। जल्दी से बताओ, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। ओके ठीक है, ओके। अब देखो फंक्शन की बात करें प्लेसेंटा की, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। बच्चों ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है एम्ब्रियो को। इट रिमूव्स ड्यू टू एन मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, ये CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रही है फ्रॉम एम्ब्रियो। कैसे कर रही है देखो, यहां पर जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन लेकर जाएंगी और यहां से जो CO2 आ रहा है उसको वेन बाहर लेकर चली जाएगी। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ऐसे भेजा जा रहा है और CO2 को ऐसे बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो इज कनेक्टेड विद ईच अदर, इट्स कनेक्टेड विद ईच अदर वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो आपस में जुड़े होते हैं, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो आपस में जुड़े होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। ये है एम्ब्रियो, ये है प्लेसेंटा, दोनों आपस में अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो आपस में अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से बच्चों जुड़े हुए होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट
materials to and from the embryo. ये क्या करेगा बच्चों, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. तो अम्बिलिकल कॉर्ड मटेरियल को एम्ब्रियो की तरफ ट्रांसफर भी करेगा और उससे जो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह है वो दूर भी करवाएगा. एक तो चीज ये हो गई. उसके अलावा हम बोलते हैं प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू. उसके अलावा हम बोलते हैं बच्चों प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है. प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह हार्मोन प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है. लाइक इट सिक्रीट्स एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. हम कहते हैं कि बच्चों प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है, वो एससीजी को रिलीज करती है. इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेस्क्यू करता है कॉर्पस ल्यूटियम को एंड स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम फॉर रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन. तो बच्चों देखो हो क्या रहा है यहां पर, यहां पर क्या हो रहा है देखिए, प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रही है. प्लेसेंटा कुछ हार्मोन को सिक्रेट करती है, जैसे कि एक है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी. ये क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मरने से बचाता है. क्योंकि एलएच का अमाउंट कम हो जाता है. एलएच बनाता भी है कॉर्पस ल्यूटियम को, मेंटेन भी करता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एलएच और एफएसएच को प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सप्रेस कर देंगे. तो कॉर्पस ल्यूटियम को मरने से बचाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और उसको कहता है कि आप प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन रिलीज करो ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे. और बच्चों प्रेजेंस ऑफ एससीजी इन यूरिन, यूरिन में अगर एससीजी आ रहा है मतलब प्रेगनेंसी है. तो जो प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट होती है वो इसी तरीके से काम करती है. उसके अलावा इट सिक्रीट्स एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ये प्रिपेयर करता है मेमोरी ग्लैंड्स को, प्रिपेयर करता है मेमोरी ग्लैंड्स को लैक्टेशन के लिए. उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट हार्मोन की, वो है एचपीएल. ये प्रिपेयर करता है मेमोरी ग्लैंड्स को लैक्टेशन के लिए, और इसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, क्योंकि प्लेसेंटा इसको करती है व्हाट सीक्रेट. उसके अलावा एक और हार्मोन है रिलैक्सिन. जो रिलैक्सिन की बात करें तो एनसीईआरटी बोलती है इट इज सीक्रेटेड बाय ओवरी. ओवरी में कौन, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम. ओवरी में कौन, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट इट इनिशियली. तो अगर हम बात करें जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन को भी सीक्रेट करता है, लेकिन लेटर फेज में इसको सीक्रेट करती है प्लेसेंटा. इन लेटर फेज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा. इन लेटर फेज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा. फंक्शन क्या है बच्चों, इट डायलेट्स सर्विक्स ऑल्सो रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस. क्या है मतलब देखते हैं बच्चों. देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं चैट बंद करवा दो. सी इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन बच्चों. अगर इस वक्त आप फोन को फुल स्क्रीन पे कर लो या आपके पास जो भी गैजेट है उसको फुल स्क्रीन पे कर लोगे ये दिखेगा भी नहीं. इट डिपेंड्स कि आप किस चीज पे ध्यान देना चाहते हो. तो चैट को इग्नोर करिए, कंसेप्ट पे फोकस करिए.
चीज ध्यान में ही नहीं आएगी। डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस जहां पर होगा वो चीज नजर ही नहीं आएगी। देखो जरा बच्चों, रिलैक्सिन हार्मोन को इनिशियली ओवरी सिक्रेट करती है, उसमें कौन, कॉर्पस लुटियम, लेकिन प्रेगनेंसी में बाद में सिक्रेट करती है प्लेसेंटा, ये सर्विक्स को डायलेट कर देता है और जो जॉइंट होता है हमारे प्यूबिक एरिया में आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट में, प्यूबिक सिंफाइसिस को रिलैक्स कर देता है ताकि बेबी का एक्सपल्जन आसानी से हो सके। और उसके अलावा हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, दीज हार्मोन्स ऑल्सो इंक्रीजेस टू मैनिफोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चों उसके अलावा ये बोला जाता है, बच्चों उसके अलावा ये बोला जाता है कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन और कॉर्टिसोल का अमाउंट भी मदर की बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आपको पता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवाएगा, सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को, प्रोजेस्टेरोन तो करता ही है, थायरोक्सिन मदर का बीएमआर बढ़ाएगा, थायरोक्सिन मदर का बीएमआर बढ़ाएगा और कॉर्टिसोल मदर के अंदर ज्यादा ग्लूकोज बनवाता रहेगा ताकि बच्चे को मिलता रहे, और साथ ही साथ कॉर्टिसोल फ्यूचर में बच्चे के लंग्स को डेवलप भी करवाता है। ये है, एक बार जल्दी से बताएंगे ऑल द बच्चा पार्टीज प्लीज, एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या यहां तक बात क्लियर है। और प्रोलैक्टिन भी साथ साथ मदर की बॉडी में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जल्दी से बता दो एक बारी। प्रोलैक्टिन बच्चे मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, इसको भी आगे पढ़ाऊंगा लैक्टेशन में, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। ओके ओके वेरी गुड, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जल्दी से बच्चों। गेस्टेशन के मेजर इवेंट्स ये आ जाते हैं तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर हम लास्ट टॉपिक पर आ जाएंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पे। देखिए एक मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के एक महीने बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है, प्रेगनेंसी के एक महीने के बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है। कितनी देर की क्लास रहती है, 10 से 15 मिनट में कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की, ठीक है। हाँ जी, तो गेस्टेशन मेजर इवेंट्स की बात करें, प्रेगनेंसी के एक महीने बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है, तो फर्स्ट साइन, ग्रोइंग फीटस के फर्स्ट साइन को हम कैसे पता लगा सकते हैं, बच्चे के हार्ट के साउंड को सुनकर स्टेथोस्कोप की मदद से। प्रेगनेंसी के एक महीने के बाद बच्चे का हार्ट फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट साइन ग्रोइंग फिटस के हम कैसे चेक करेंगे बच्चों, बच्चे के हार्ट के साउंड को सुनकर। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू दी हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू दी स्टेथोस्कोप। बच्चों दो मंथ के बाद बच्चे के लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, दो महीने के बाद बच्चे के लिम्स और डिजिट्स, फिंगर एंड टोज वगैरह बन जाते हैं, और तीन महीने के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, मोस्ट ऑफ दी मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, मोस्ट ऑफ दी मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जिसमें कौन आता है, मोस्ट ऑफ दी मेजर ऑर्गन सिस्टम में एक तो लिम्स बन जाएंगे और एक्सटर्नल जेनिटल्स भी वेल डेवलप हो जाएंगे। By the end of 12 weeks, first trimester, most of the major organ systems are formed. For example, limbs and external genital organs are well developed. Fifth month के बाद क्या होगा? सर पे बाल आ जाएंगे और बच्चा किक मारने लग जाएगा। तो मतलब first moment of growing fetus after fifth month. During the fifth month, first moment of the fetus, an appearance of hair on the head. और बच्चों दो trimester के बाद, 24 weeks के बाद क्या होगा? बच्चे की बॉडी पर फाइन हेयर आ जाएंगे, आईलिट सेपरेट हो जाएंगी, आईलिट्स मतलब ये, और आई लैशेस भी फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है यहां तक की बात। तो आपने नोटिस करा होगा, अगर आपके घर में कभी छोटा बच्चा आपने देखा हो कि उसकी बॉडी पर हल्के हल्के से बाल होते हैं, तो वो फाइन हेयर 6 मंथ के एंड में आते हैं, एंड 9 मंथ के बाद प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी कैसे होगी सर, यही तो सीखना है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। क्लियर है, एक बार जल्दी से बताओ बच्चों,
बार जल्दी से बताओ बच्चों, बच्चों जल्दी से बताओ एक बारी, यहां तक क्लियर है? ओके ओके। नेक्स्ट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी। द एवरेज ड्यूरेशन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और एनसीईआरटी में बच्चे एक लाइन लिखी हुई है, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये क्या है इसको समझते हैं, जो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना ध्यान से। तो हम कह रहे हैं कि भैया 9 मंथ्स के बाद जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब होगी डिलीवरी, ठीक है? और पार्चुरेशन कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, तो वो क्या है समझते हैं। तो देखो फीटल हाइपोथैलेमस है और प्लेसेंटा है, फीटल हाइपोथैलेमस है और प्लेसेंटा है, दोनों सिक्रीट करेंगे सीआरएच, दोनों सिक्रीट करेंगे सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएस से स्टिमुलेट करेंगी एड्रीनल कॉर्टेक्स को। जो फीटल हाइपोथैलेमस ने सीआरएच रिलीज करा, प्लेसेंटा ने सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एडीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करके एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे जिससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। देखो होता क्या है प्रेगनेंसी के दौरान, देखो होता क्या है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहता है ईस्ट्रोजन से, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहता है ईस्ट्रोजन से, लेकिन अब क्या हुआ एड्रीनल कॉर्टेक्स से ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ाया गया, एड्रीनल कॉर्टेक्स से ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ाया गया। जिन लोगों को पता हो याद दिलाता हूं, एड्रीनल कॉर्टेक्स सेक्सो कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करती है। अब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, इट विल इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन एंडोमेट्रियम। इंक्रीज रिसेप्ट, यस ईस्ट्रोजन बढ़ा बच्चों, ईस्ट्रोजन ने ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बढ़ाया एंडोमेट्रियम पे, नॉर्मल ऑक्सीटोसिन बाइंडिंग, नॉर्मल ऑक्सीटोसिन बाइंडिंग टू दिस रिसेप्टर्स स्टिमुलेट माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस। तो देखिए समझिए जरा एक बारी फिर से, जल्दी से समझिए। फीटल हाइपोथैलेमस और प्लेसेंटा ने कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करा, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करवाया, उसने एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके ईस्ट्रोजन बढ़ाया। अब ईस्ट्रोजन जो बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन जो बढ़ रहा है वो ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ा रहे। अब नॉर्मल कंडीशन में भी हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रहता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड उतना नहीं कर रहा था क्योंकि रिसेप्टर्स कम थे। अब ईस्ट्रोजन की वजह से ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बहुत सारे हो गए एंडोमेट्रियम पे, तो नॉर्मल अमाउंट में जो बॉडी में ईस्ट्रोजन था मदर की बॉडी में, उससे क्या होगा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होंगे एंडोमेट्रियम में, ना 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 मायोमेट्रियम में, मसल वाले लेयर है,
ये जो ईस्ट्रोजन ने ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ाया एंडोमेट्रियम में, मदर की बॉडी में जो नॉर्मल ऑक्सीटोसिन था उसने यहां पर इतने सारे रिसेप्टर पे बाइंड करके माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, और यही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन एनसीईआरटी बोलती है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, इसी को एनसीईआरटी बोलती है कि ये है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये था वो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है, जो हमने यहां पर समझा है। तो जब ईस्ट्रोजन बढ़ा, ईस्ट्रोजन ने ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ा दिया बच्चों एंडोमेट्रियम पे, तो नॉर्मल ऑक्सीटोसिन भी जो मदर की बॉडी में है वो इतने सारे रिसेप्टर से एकदम से बाइंड करके यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, एंड दिस इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो कि बच्चे की तरफ से और प्लेसेंटा की तरफ से आता है। और साथ ही साथ एक बात और आप यहां पर समझ गए होंगे कि क्या, कि इसमें इन्वॉल्वमेंट फीटल के साथ साथ प्लेसेंटा की रही है। बोलो एक बार जल्दी से बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके ओके ओके। अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बच्चों स्टिमुलेट करेगा मैटरनल पिट्यूटरी को फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से मदर की पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से मदर की पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी, और मदर की पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी। ड्यू टू ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीजेस इन मायोमेट्रियम। तो बच्चों ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से क्या होगा, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। दिस कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा। नाउ दिस ऑक्सीटोसिन कॉजेस, नाउ दिस ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम विच लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ बेबी एंड बच्चा पार्टी, इसी को बोलते हैं पार्चुरिशन डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से मदर की पिट्यूटरी ने क्या करा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करा, ऑक्सीटोसिन और आ गया तो क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे मायोमेट्रियम में। अब और कॉन्ट्रैक्शन हुए तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और अब और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो अब ये मायोमेट्रियम में बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, लेबर क्रिएट कर देगा, जिससे क्या होगा बेबी का एक्सपल्जन हो जाएगा, दैट इज डिलीवरी ऑफ बेबी। जल्दी से बता दो एक बारी, चिंगो मिंगोस यहां तक क्लियर है, जल्दी से बता दो एक बारी, पार्चुरिशन समझ में आया बच्चा बाटी, एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से यस पार्चुरिशन क्लियर है बच्चा, जल्दी से बता दो भाई। चिंगू मिंगूस लल्लू लाल जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज लैक्टेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज लैक्टेशन। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. So, mammary glands की बात करें female की, वो differentiation उनके अंदर होता है, differentiation का मतलब होता है alveoli का number बढ़ना, duct का number बढ़ना pregnancy के दौरान, और बच्चों वो milk को produce करने लग जाती है pregnancy के end में, जिसको बोलते हैं lactation। तो यहाँ पर दो hormone का main role है कि देखो अब delivery हो गई, डिलीवरी होते वक्त
डिलीवरी होते वक्त क्या कहते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन कम हो गया। प्रोजेस्ट्रॉन कम हुआ तभी तो एंडोमेट्रियम टूटेगी और बच्चा बाहर आएगा, और ईस्ट्रोजन बढ़ा था अब वो भी कम हो गया। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन को दबा कर रखते हैं, और डिलीवरी होने के बाद दोनों का लेवल गिरेगा तो प्रोलैक्टिन बढ़ता है बॉडी में। प्रोलैक्टिन को बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। अब देखिए होता क्या है बच्चों, बस ये समझ लीजिए जल्दी से, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है ये। ये है मेमोरी ग्लैंड, ये है मेमोरी ग्लैंड, सकलिंग बाय इन्फेंट। बच्चों जब इन्फेंट सक करता है निप्पल्स को, तब जब इन्फेंट बच्चों मेमोरी ग्लैंड के निप्पल्स को सक करता है तो क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस पीआरएच को बढ़ाता है। पीआरएच इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और उसकी मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करेगा, उसकी मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन को बढ़ाएगा। तो जब एक बच्चा मेमरी ग्लैंड के निप्पल्स को सक करता है उसकी वजह से एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है, उसकी वजह से एक नर्व इंपल्स जनरेट होकर जाती है हाइपोथैलेमस के पास, जो कि पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ाता है और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के लेवल को करता है कम। इंटीरियर पिट्यूटरी यहां पर स्टिमुलेट होंगी, प्रोलैक्टिन को रिलीज करेंगी, और प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन। और साथ ही साथ यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन, इसको बोलते हैं बच्चों मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। यही हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, यही हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलकर रिलीज करवाता है ऑक्सीटोसिन। यही हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलकर रिलीज करवाता है ऑक्सीटोसिन, जिससे मिल्क का इजेक्शन होता है। तो इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इस तरीके से ये है। और लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा, लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा कि इनिशियल लैक्टेशन जो होता है, इनिशियल लैक्टेशन पीरियड में कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, इनिशियल लैक्टेशन में कोलेस्ट्रम रिलीज होता है विच इज येलोइश मिल्क। इसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है, इसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इन्फेंट को। एक बार फिर से देख लीजिए, जब एक बच्चा निप्पल्स को सक करेगा मेमोरी ग्लैंड्स के, नर्व इंपल्स जनरेट होगी, हाइपोथैलेमस के पास जाएगी, हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ा देगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को घटा देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन को बढ़ाएगी, मिल्क प्रोडक्शन होगा। और साथ ही साथ इसी की वजह से हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहकर ऑक्सीटोसिन बढ़ाएगा, जिससे मिल्क का इजेक्शन होगा, बच्चे को मिल्क मिलेगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हमने बोला जब शुरुआत के टाइम पर मिल्क रिलीज होता है, बच्चों लैक्टेशन में शुरुआत के टाइम पर जब मदर की बॉडी से मिल्क निकलता है वो येलोइश मिल्क होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे को इनिशियली इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो मतलब मदर से इनिशियली बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। एंड विद दिस हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अपना चैप्टर। एनसीईआरटी की मैंने कोशिश करी है हर एक लाइन को कवर करने की, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा है। कुछ लोगों को लग रहा है एक्स्ट्रा पढ़ा है, नहीं, ना के बराबर, मैक्सिमम बस एनसीईआरटी पर फोकस रखा है। तो एक बारी बच्चा पार्टी चिंगु बिंगो जल्दी से बता दो, क्या यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आया? स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है बच्चे।
बोलो 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 भाई 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 भाई, समझ में आया? बोलो, कुछ क्वेश्चंस करने के सोचे थे, जल्दी से एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूं तुम्हें, एक दो क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं करूंगा, दो चार क्वेश्चंस, चार पांच क्वेश्चंस बस, जल्दी से। स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जल्दी से बता दो, बस पांच क्वेश्चन करेंगे बस, एंड क्लास है, जल्दी से पांच, जल्दी से बता दो बच्चों, गला बैठ गया, जल्दी से बता दो यार, प्लीज भाई बता दो। यस बच्चे पार्टी, जल्दी से बता, ओके ओके ओके, यस आंसर आ गया है, और आंसर बिल्कुल सही है, इस समस्या का कोई लेना देना नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड चिंगो मिंगूस। इसका बताओ, एक सेकंड, इसका बताओ बच्चों, सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, इसका 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 बोलो बोलो, बिल्कुल सही जवाब, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा का कोई भी लेना देना इससे नहीं है, वेरी गुड बच्चों, शानदार। परमिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है इसमें रिलीज हो रहा है स्पर्म कहां से, यस यस यस, द आंसर इज, आंसर इज वेरी गुड, यस यस बिल्कुल बच्चों सही है, यस 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 बिल्कुल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सही जवाब, बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल एकदम बढ़िया। एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब है वही क्या, हाई एल्यूरोनिडेज का रिलीज होना एक्रोसोम से, सीपीई का रिलीज होना, एंड जोनालाइसिन का रिलीज होना, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, यस यस यस, अगेन ए वेरी गुड, यस जब जोना पेलुसिडा से कांटेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब, और यहीं पर जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगी ताकि पॉलिस्पर्मी ना हो, वेरी गुड बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है, आंसर बता दीजिए, एंड उसके बाद छुट्टी तुम लोगों की, बताओ बताओ बताओ, मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन सी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर एम्प्यूला है, वेरी गुड बच्चों, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ह्यूमन रिप्रोडक्शन वन शॉट, आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा, एंड थैंक यू सो मच बच्चों यहां तक जुड़े रहने के लिए, आई गेस थोड़ा सा थका दिया है, ब्रेक नहीं दे पाया, तो तुम लोगों ने जादू टोना करके ब्रेक ले तो लिया, बट कोई सुनिए, मेन इंपॉर्टेंट था कि हमारा चैप्टर आज के लेक्चर में खत्म हो जाए, एंड थैंकफुली वो खत्म हो गया है, थैंक यू सो मच, एक बार जल्दी से बता दो चिंगू मिंगूस बिल्लू लाल्स, समझ में आया, बस एक बार ये बता दो, एंड देन एंड करते हैं लेक्चर, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑल राइट ऑल राइट देन, टेक गुड केयर ऑफ योर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव अप्रोच रखना, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, तो आज के लेक्चर में विकास शुक्ला इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।